टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी केस प्रेजेंटेशन ऑफ रेटिनल वेस्कुलर ऑक्लूजन्स। तो रेटिनल वेस्कुलर ऑक्लूजन्स में हम देखेंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन और ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन। तो देखो, ये समझने से पहले, रेटिनल वेस्कुलर ऑक्लूजन समझने से पहले हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है। इसमें दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर वो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको याद है तो पूरा का पूरा रेटिनल वेस्कुलर ऑक्लूजन आपको जो केस हिस्ट्री है वो आपके ग्रिप में आ जाएगी। और वो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, एक तो इस्चीमिक नॉन इस्चीमिक में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इस्चीमिक नॉन इस्चीमिक में शुरू से लेके केस के स्टार्टिंग से लेके लास्ट मैनेजमेंट तक इन दोनों में हमेशा वो चलता रहेगा, वॉर चलता रहेगा इस्चीमिक और नॉन इस्चीमिक के बीच में। ये मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा इस लेक्चर में, कैसे इस्चीमिक और नॉन इस्चीमिक डिफरेंस आप जानने के बाद आप कैसे केस प्रेजेंटेशन को आप बना सकते हैं इफेक्टिवली, ठीक है। और दूसरा एक इस्चीमिक नॉन इस्चीमिक एंड सेकेंड वन इज द रिस्क फैक्टर। तो देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो प्रोविजनल डायग्नोसिस बना, एक तो डीडी बनाते हैं और एक रिस्क फैक्टर रूल आउट करते हैं या कॉज रूल आउट करते हैं। तो उन दोनों के लिए इस्चीमिक नॉन इस्चीमिक के फीचर्स क्या क्या होते हैं वो जानने बहुत जरूरी है। ये मैं थियरी लेक्चर में बता चुका हूँ और मैंने आप लोगों से बोला भी था कि थियरी लेक्चर आपने देख के आना, और रिस्क फैक्टर भी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ आप लोगों को अपने थियरी लेक्चर में, ठीक है। अब मैं यहाँ आप लोगों से पूछूंगा। तो देखो, यहाँ पे केस प्रेजेंटेशन मैंने बताया, ये इंटरेक्टिव सेशन होगा, इसमें आप लोग भी जवाब देंगे। इंटरेक्टिव सेशन होगा, आप लोगों ने जो थ्योरी में लेक्चर में जो पढ़ा हुआ है, जो मैंने पढ़ाया था लास्ट थ्योरी लेक्चर में, उससे रिलेटेड मैं यहाँ क्वेश्चंस पूछूंगा इसमें। फिर वैसे ही प्रोसीड करेंगे हम लोग मिलके। प्लीज प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। तो देखो, यहाँ पे हम शुरू करते हैं। देखो, मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों की मिस्टेक बताऊँ, जो मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि क्या मिस्टेक करते हो नॉर्मली ओपीडी में जब पेशेंट देखते हो तो, ठीक है। और उसके बाद फिर हम उसको रिजोल्व करेंगे कि हाँ कैसे हम एक परफेक्ट केस हिस्ट्री ले सकते हैं रेटिनल वीनस ऑक्लूजन के पेशेंट की, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ओपीडी में क्या अप्रोच रखते हैं आप लोग। देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप जैसे ओपीडी में अप्रोच रखते हैं आप वैसे ही केस प्रेजेंट कर पाएंगे जाके। आप ये सोचो कि रट के यहाँ से चले जाओ और बोल दो एग्जामिनर के सामने तो एग्जामिनर तुरंत पकड़ लेगा। तो इसीलिए आपने क्या करना है, अभी अगर ओपीडी आप देखते हैं तो उसी ओपीडी के अकॉर्डिंग उस अपनी अप्रोच को चेंज करना है पेशेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब नॉर्मल ओपीडी अप्रोच क्या होती है आपकी सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन के वाले पेशेंट में, और आप और होनी क्या चाहिए और आपकी क्या अप्रोच रहती है, इसमें हम देखेंगे कितना कॉन्ट्रास्ट रहता है और उसी को हम रिजोल्व करेंगे आगे केस हिस्ट्री में, ठीक है। तो देखो, पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें रिस्क फैक्टर और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क फैक्टर और इस्चीमिक नॉन इस्चीमिक में डिफरेंस। ये कैसे याद करना, क्योंकि मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस्चीमिक नॉन इस्चीमिक, इसको याद कैसे रखना ये भी हमें ओपीडी अप्रोच के लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे इसको याद रख सके। क्योंकि एग्जामिनर जब पूछता है तो हमारे दिमाग में कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं कभी कभी वो भूल जाते हैं। तो एक ऐसी अप्रोच हम यहाँ पे अपनाएंगे जिससे हमें सब कुछ याद रहेगा, हमें कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे पेशेंट आता है हमारे पास कंप्लेन लेके कि सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन है, कंप्लेनिंग ऑफ सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन, सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन, पेनलेस लॉस ऑफ विजन, ठीक है। ओपीडी अप्रोच बता रहा हूँ जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की रहती है जब ओपीडी में पेशेंट देखते हैं। जब इतनी ज्यादा भीड़ रहती है ओपीडी में तो हम क्या करते हैं, जस्ट एक छोटी सी हिस्ट्री ले लेते हैं, डायबिटीज है कि डायबिटीज हाइपरटेंशन है या नहीं है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री ले लेते हैं, कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री तो नहीं है। अगर सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन है तो हमारे दिमाग में बस यही एक दो हिस्ट्री हम लेके तुरंत क्या करते हैं पेशेंट को भेज देते हैं विजन कराने के लिए, ठीक है। और देखो, किसी किसी ओपीडी में वेरी कर सकता है ये कि हाँ पेशेंट जो है विजन पहले करा के आता है, तब हमारे पास ऑप्टोमेट्रिस्ट पहले देख लेते हैं, फिर हमारे पास आता है पेशेंट एग्जामिनेशन के लिए और हिस्ट्री के लिए। तो अब देखो, आपने अगर मान लिया ये फॉलो किया है, आपने क्या वो किया, कंप्लेन ली पेशेंट की, छोटी सी हिस्ट्री ली ओपीडी में और फिर विजन कराने भेजा, उससे पहले भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे करना जरूरी है इन केस ऑफ सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन। तो इसमें आपने और एक क्या हिस्ट्री लेनी जरूरी है, कोई बता सकता है मुझे, सॉरी एक और हिस्ट्री क्या लेनी जरूरी है अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन, सडन पेनलेस लॉस, ट्रोमा पेनलेस लॉस ऑफ विजन, ये मान लिया इतनी हिस्ट्री है, यहाँ पे एक एग्जामिनेशन आपने करना जरूरी है बिफोर गोइंग
पेशेंट इज सेंडिंग टू दी विजन। विजन के लिए पेशेंट को सेंड करने से पहले एक एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने पेशेंट को क्या एग्जामिनेशन करेंगे टॉर्च लाइट में? वेरी गुड प्यूपल्स, वेरी गुड प्यूपल्स। वेरी गुड, आरएपीडी। अब देखो यहाँ से शुरू हो जाएगा सिलसिला इस्टीमिक नॉन इस्टीमिक का। तो इस्टीमिक और नॉन इस्टीमिक में बताओ किसमें आरएपीडी मिलने के चांसेस ज्यादा है, किसमें कम है? इस्टीमिक नॉन इस्टीमेट इस्टीमिक में ज्यादा है में। वेरी सिलसिला। गुड। तो यहीं से ये सिलसिला जब शुरू हो गया कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आरएपीडी अगर मिल रहा है पॉजिटिव है तो मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा नहीं है कि हमेशा, मोस्ट प्रोबेबली इस्टीमिक सीआरबी होगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो नॉन इस्टीमिक सीआरबी होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट। सर जो आरईपीडी चेक करेंगे तो सर ये क्या जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम है सर, टॉर्च लाइट में करेंगे और हाँ, सर टॉर्च ट्यूब लाइट में, लाइट? टॉर्च लाइट में, टॉर्च लाइट में, आइडियो की लाइट में करेंगे आप, स्लिट लैम्प में नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पेशेंट की कंप्लेन लेने के बाद हम उसे विजन के लिए तब भेजेंगे जब उसे आरएपीडी टॉर्च लाइट में हम चेक कर लेंगे, टॉर्च लाइट में चेक करने के बाद। ठीक है, पर डीओ अब से देख नहीं कर सकते? क्या डीओ डीओ डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से? डायरेक्ट से भी कर सकते हैं आप, लेकिन स्लिट लैम्प से नहीं करना है क्योंकि उसमें टाइम लगता है शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, कोई एक ऐसी इल्यूमिनेटिंग लाइट जो परफेक्टली इल्यूमिनेट, मतलब हाई इल्यूमिनेशन चाहिए रहता है उसके लिए। अगर डिम इल्यूमिनेशन है तो उसमें हो सकता है आपको उतना अप्रिसिएट ना हो आरएपीडी। ठीक है। ठीक है, इसीलिए हाई इल्यूमिनेटिंग आपने सोर्स यूज करना है। अब देखो यहाँ पे विजन कराने भेजा आपने पेशेंट को, विजन मान लिया आ गया, राइट आई में आ गया 6x60 और लेफ्ट आई में आ गया 6x12। ठीक है, अब वो पेशेंट आपके पास आया ओपीडी में, सब लोग रिलेट करते जाना जिन लोगों ने पेशेंट देखा है, इसका सीआरबी होगा या बाकी पेशेंट जो आप देखते हैं। देखो मैं यहाँ आपको ओवरऑल ओपीडी अप्रोच बता रहा हूँ, इसके बाद हमने अलग अलग केस में अलग अलग देखना है क्या एड ऑन करना है और क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे पेशेंट का विजन करा लिया, इसके बाद हम क्या करते हैं बताओ? पेशेंट का कंप्लेन ले लिया, छोटी सी हिस्ट्री ले ली कि हाँ उसको डायबिटीज हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है या नहीं है, उसके बाद विजन करा लिया, इसके बाद हम क्या करते हैं ओपीडी में? सर पिन होल कराएंगे क्या इसका? वेरी गुड, इसके बाद स्लिट लैम्प नहीं करेंगे, पहले हम देखेंगे कि ये पेशेंट जो है, ये जो विजन इतना डिटेरियोरेट हुआ है ये किस वजह से है, क्या एक्चुअल में पेशेंट को ऐसा तो नहीं है कि रिफ्रेक्टिव एरर हो? ठीक है, तो बिना पिन होल कराए फिर आप प्रोसीड नहीं करेंगे ऐसे पेशेंट को इसके लिए, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले स्लिट लैम्प कराने से पहले आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे विजन ये है, ये आया, अगर रिड्यूस विजन है तो रिफ्रेक्टिव एरर है या एक्चुअल में कोई फंडस पैथोलॉजी है, उसको रूल आउट करने के लिए आप पिन होल से कराएंगे उसको। ठीक है, तो एग्जामिनर इस पे ध्यान देता है। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जैसे जैसे केस करते जाएंगे ना, वैसे वैसे ही हम जो भी इससे रिलेटेड पॉइंट है उसको हम देखते जाएंगे। तो पिन होल आप लोगों ने, पिन होल के ऊपर कैसे इसको आपने डिस्क्राइब करना है एग्जाम में, ये आप लोगों ने लिख के पेज पे और मुझे सेंड करना है, उसमें ग्रुप में सेंड करना है कि कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे। देखो इसको मजाक में नहीं लेना है क्योंकि मैक्सिमम कई सारे स्टूडेंट अभी हमारे यहाँ सेंटर पढ़ा था, तो मैक्सिमम स्टूडेंट पहचान तो लेते हैं कि हाँ ये पिन होल है, लेकिन इसके बाद पैसे बच्चे नहीं बता, स्टूडेंट नहीं बता पाते हैं कि हाँ इसका क्या यूज है, क्या सिग्निफिकेंस है, कितने इसकी डायमीटर कितनी होती है। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे टेबल वाइवा में, ये आप लोगों ने लिख के और मुझे सेंड करना है, और उसको हम ग्रुप में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें हम ग्रुप में ही डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हर चीज डिस्कशन के लिए यहाँ पे टाइम नहीं है हमारे पास, इसीलिए कुछ चीजें हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे, कुछ लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो ये हो गया, अब हम नेक्स्ट चलते हैं किसमें, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा कॉर्निया देख लेते हैं, कॉर्निया देख लेते हैं, एनटीए चेंबर देख लेते हैं, उसके बाद आयरिस देखते हैं। ठीक है, कॉर्निया में कुछ मिलेगा पेशेंट को? अगर कोई सीआरवीओ का पेशेंट है, इज देयर एनी फाइंडिंग इन द कॉर्निया? इज देयर एनी नहीं फाइंडिंग इन द कॉर्निया? नहीं पता, चलो आगे डिस्कस है। इज देयर एनी फाइंडिंग इन द एसी एनटीए चेंबर? नहीं, सर, अगर ट्रामा होगा तो सेल्स हाँ मिल सकते हैं। सेल्स प्लेयर दिख सकते हैं एनटीए चेंबर में, और अगर नियोवास्कुलर एनवीआई होता है ना, या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी कॉज है, कॉज तो आप लोगों ने पढ़ा है क्या क्या कॉज हो सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी कॉज भी होता है किसका, ये सीआरबीओ का, तो वो इन्फ्लेमेटरी कॉज हो सकता है एनटीए चैम्बर में, सेल्स एंड फ्लेयर कॉज करा सकता है, सेल्स एंड फ्लेयर कॉज करा सकता है। ठीक है, सेल्स एंड फ्लेयर, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आयरिस में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या आप चेक करेंगे अगर आपने स्लिट लैम्प कर? एनवीआई, वेरी एनवीआई गुड और वेरी गुड, एनवीआई, सिरिस। वेरी गुड, एनवीआई आप चेक करेंगे। ठीक है, और एनवीआई अगर आपको दिख गया, यहाँ पे वाइवा का क्वेश्चन बनता है। मैंने बताया आप लोगों को मैं वाइवा साथ के साथ वाइवा का डिस्कशन करते जाऊंगा, यहाँ वाइवा का क्वेश्चन बनता है, अगर आपने एनवीआई देख लिया यहाँ पे तो क्या सिग्निफिकेंस है इसका?
वट व्हाट इज इज स्कीमिंग स्कीमिक सी आर सीआरवी। वी। वेरी गुड हाँ वेरी गुड वेरी गुड, आपने यहाँ ये पहचान लिया, इट बिल्कुल। इट इज द इस्कीमिक सीआरवी। अब यहाँ पे ये ध्यान देते जाना, मैंने आप लोगों को बोला था शुरू में इस्कीमिक नॉन इस्कीमिक में ही कहानी चलेगी ये पूरी की पूरी, इस्कीमिक और नॉन इस्कीमिक के बीच में। अब आपने देखा एनबीआई है, इस्कीमिक सीआरवी है, क्या इससे ट्रीटमेंट पे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या यस सर, सर फर्क पड़ेगा अगर एनबीआई दिख गया आपको? ग्लोकोमा होगा सर, एनवीए हाँ वेरी गुड, एनवीए हो गोनियोस्कोपी सकता है, करेंगे। ठीक है, इसमें एनवीए हो सकता है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि अगर पेशेंट को एनवीआई नहीं है, क्या एनवीए मिल सकता है ऐसे पेशेंट को? अगर एनवीआई नहीं है, इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ पेशेंट यस सर, हैविंग द एनवीए? यस सर, यस सर, कितने परसेंट चांसेस में एनवीए प्रेजेंट हो सकता है विदाउट एनवीए? 12%, 12%, 12%। वेरी गुड, 12% ये सर। वाइवा का क्वेश्चन है, आपसे पूछेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एनवीआई पे ये बनता है कि आप जो नियोवास्कुलर आयराइटिस है उसको सिग्निफिकेंट नियोवास्कुलर आयराइटिस कब बोलेंगे? सर एनवीए का सर सर फुल फॉर्म, अच्छा न्यूवास्कुलर सर, या मोर देन टू नियोवास्कुलर क्लॉक आयराइटिस, आवर्स। नियोवास्कुलर आयराइटिस, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, ये छोटी छोटी चीजें ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। सिग्निफिकेंट एनवीआई कब बोलेंगे हम, कोई बता सकता है? मोर देन टू सर क्लॉक मोर देन आवर्स 2 o'clock आवर्स। आवर्स वेरी गुड, मोर देन 2 o'clock आवर्स अगर आपको मिलता है, क्या सिग्निफिकेंस क्या है, इसको सिग्निफिकेंट क्यों बोला गया? व्हाई वी कॉल इट एज ए सिग्निफिकेंट एनवीआई, कोई बता सकता है? व्हाई वी कॉल इट एज ए सिग्निफिकेंट एनवीआई, इसका सिग्निफिकेंस ये है, इसको सिग्निफिकेंट इसीलिए बोला जाता है कि अगर 2 o'clock आवर्स से ज्यादा है, अगर आपको एनवीआई दिखता है, तो आप इमीडिएट पेशेंट का पीआरपी करेंगे, इमीडिएट पीआरपी करेंगे, ठीक है। इससे कम अगर आप मिलता है तो हो सकता है आप वेट कर सके, आप वेट कर सकते हैं ऐसे पेशेंट में जिसमें कम है, 2 o'clock आवर से कम है, लेकिन अगर 2 o'clock आवर से ज्यादा है, ये एक थ्रेशोल्ड लेवल बताया गया है, इससे ज्यादा है तो उसे आप क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट एनवीआई, क्योंकि ऐसे पेशेंट में हमें इमीडिएट पीआरपी करना पड़ता है, ठीक है। ये वाइवा के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अब देखो यस ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, आयरिस के बाद हम क्या स्ट्रक्चर चेक करेंगे स्लिट लैम्प में, आयरिस के बाद लेंस चेक करेंगे। तो प्यूपल ये लेंस, अधिकतर क्या प्यूपल होता है, लेंस ऐसा पेशेंट सीआरवीओ का पेशेंट अधिकतर ओल्ड एज का आता है, ठीक है, हालांकि यस यंगर सर, एज ग्रुप भी होता है, लेकिन ओल्ड एज की अभी हम बात कर रहे हैं, यंगर एज ग्रुप में अलग कॉजेज रहते हैं। ओल्ड एज ग्रुप का अगर पेशेंट आ रहा है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, वहां पे लेंटिकुलर ओपेसिटी भी आपको मिल लेंटिकुलर सकती है, ठीक है, ओपेसिटी। तो लेंटिकुलर ओपेसिटी भी आप चेक करेंगे, ठीक है। ये हो गया, अब देखो मुझे ये बताओ इसके बाद आप क्या करोगे, पेशेंट को सर क्या चेक करोगे, हैं, गोनियोस्कोपी सर, फंडोस्कोपी। वेरी गुड, फंडोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन आप क्या करेंगे, फंडोस्कोपी करेंगे, डायलेट कराएंगे पेशेंट को। डायलेट कराने से पहले एक चीज आप लोगों ने चेक, लेंगे ना सर वेरी पहले। गुड वेरी गुड, ये मैक्सिमम स्टूडेंट भूल जाते हैं जिसमें एग्जामिनर एकदम फेल कर देता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि पेशेंट को डायलेट कराने से पहले आपने आईओपी करना बहुत जरूरी है, ये मैं ओपीडी अप्रोच बता रहा हूँ, आप लोग क्या गलती करते हैं और क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन फंडोस्कोपी करने से पहले, पेशेंट को डायलेट कराने से पहले आप क्या करेंगे, उस पेशेंट का यहाँ पे आईओपी चेक करेंगे, इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इंट्राओकुलर प्रेशर रेज आ सकता है क्या ऐसे पेशेंट में, सीआरवी यस को, सर, किस सर केस अगर में आएगा? एनवीआई होगा तो वेरी आएगा। गुड, नियो वस्कुलर अगर ग्लोकोमा हो रहा है पेशेंट को, तो ऐसे केस में इलिवेटेड आईओपी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस को आपने डायलेट करने से पहले ही आईओपी चेक करना है, ठीक है, आईओपी भी चेक करना यस है और सर, नियो वस्कुलर आयराइडिस और नियो वस्कुलराइजेशन एट द एंगल, ये दोनों चेक करने हैं बिफोर डायलेटिंग दी पेशेंट, ठीक है। अब आपने सर डायलेट, सिर्फ नियोवास्कुलराइजेशन ऑफ आयरिस है तभी हम आईओपी चेक करते हैं क्या? नॉर्मली भी चेक कर नहीं 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 नॉर्मली नहीं ये फैमिली देखो पेशेंट। यहाँ पे कंफ्यूजन है आप लोगों की, जरूरी नहीं, मैंने अभी इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा था, एनवीआई कभी कभी नहीं भी होता है तो भी एनवीए होता है पेशेंट को, और कितने परसेंट केसेस में, आप लोगों ने खुद ही बोला 12% केसेस में 12%। पेशेंट को एनवीआई नहीं होता है फिर भी एनवीए होता है, तो एनवीए है तो ग्लोकोमा के चांसेस हैं पेशेंट को या नहीं है? हैं। अब चलो ठीक है, आपका ही मैं क्वेश्चन और आगे एक्सटेंड करता हूँ, अगर पेशेंट को एनवीआई नहीं है, एनवीए नहीं है, तो क्या आप आईओपी चेक करोगे, क्यों यस सर, अदर करोगे बताओ, व्हाई यू विल चेक द आईओपी ऑफ दिस पेशेंट? सर ग्लोकोमा इज अ वो वेरी कॉन्फाउंडिंग गुड डिसऑर्डर वेरी गुड, में आ रहा है हाँ सर। वेरी गुड वेरी गुड, ग्लोकोमा इटसेल्फ अ कॉज ऑफ द सेंट्रल रेटिनल ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन,
तो यहाँ आप, मैंने बताया फिर रिस्क फैक्टर की बात आ गई, जो मैंने 2 पॉइंट आप लोगों को सर बोले पर थे। हमने फंडस नहीं देखा है ना सर। जनरली अगर ओपीडी बेसिस पे पेशेंट आया, हिस्ट्री हाँ है देखो सडन देखो वेलनेस लॉस ऑफ विजन। देखो देखो, सुनो सुनो 2 मिनट, आपको पता ही नहीं है ना ये सीआरबीओ का पेशेंट है या किसी और चीज का पेशेंट है। आपको ये पता है कि सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन से आपके पास पेशेंट आया है, तो आपके दिमाग में डीडी आएगा कि नहीं आएगा, सीआरबीओ है या नहीं है, और क्या क्या ओके डीडी आएंगे वो हम आगे केस में डिस्कस करेंगे। ये डीडी तो आएगा कि हाँ पेशेंट को हो सकता है सीआरबीओ ओके है। अगर आपके दिमाग में ये डीडी आ रहा है पेशेंट को सीआरबीओ है, तो आपके दिमाग में ये और ऑटोमेटिकली ये आना चाहिए कि उस पेशेंट को ग्लोकोमा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को जो रिस्क फैक्टर की टेबल है वो आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। जब तक आपको रिस्क फैक्टर नहीं पता होंगे ना, आप पेशेंट की हिस्ट्री सही से ले ही नहीं पाएंगे। अब देखो मैंने आप लोगों को यहाँ से, मैंने आप लोगों को यहाँ पे पूछा कि ग्लोकोमा आपने चेक करना है बिफोर डायलिटेशन, क्योंकि ग्लोकोमा इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर दिस पेशेंट, सीआरबीओ पेशेंट रिस्क फैक्टर, ठीक है। अब वो बात अलग है, आपको पता नहीं है, आपने फंडस नहीं देखा। अब देखो यहाँ गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, में यही चीज बताने के लिए ये क्लास ले रहा हूँ, गलती ये करते हैं स्टूडेंट जो है वो फंडस चेक करके तब बताना चाहते हैं कि ये सीआरबीओ का पेशेंट है, जबकि हिस्ट्री हिस्ट्री टेकिंग इसके जस्ट अपोजिट है। आपने सब कुछ करना है, लास्ट में फंडस चेक करना है। जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है आपके पास सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन की, वो सारी पॉसिबिलिटी आपने एक्सप्लोर करनी है, उसके जितने कॉज हो सकते हैं उसको सब आपने एक्सप्लोर करना है, उसके बाद आपने फंडस देखना है। अगर आपने फंडस देख लिया बिना आईओपी चेक किए, बिना एनवीआई एनवीए चेक किए, एग्जामिनर आपको फेल कर देगा, पास नहीं करेगा, चाहे कितनी भी सिंपैथी दिखा ले एग्जामिनर, वहां पे आपको पास नहीं करेगा, ये बात याद रखना, ठीक है, ये चीज याद रखना। और हमेशा डायलिटेशन से पहले आपने आईओपी चेक करना है, और उससे पहले आपने क्या करना है, एनवीआई एनवीए चेक करना है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो यहां सर। तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। तो अब हम आगे देखते हैं पेशेंट का, पेशेंट को डायलेट अगर हम करा रहे हैं, यहाँ पे हम देखते हैं इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को डायलेट करा रहे हैं, ये मैं रब कर देता हूँ। हाँ सर स्लिट लैम्प फाइंडिंग से पहले आईओपी नहीं करा सकते, जैसे स्लिट लैम्प आप कभी भी एग्जामिनेशन करा होता है। सकते हो आईओपी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डायलेट करने से पहले कराना, मेरा मेन जी पर्पज है कहने का, क्योंकि अगर आपने डायलेट कर दिया तो हो सकता है एनवीआई भी ऑब्सक्योर हो जाए, और पेशेंट का आईओपी अगर बढ़ा हुआ है ऑलरेडी तो और ज्यादा बढ़ सकता है, वहां पे बहुत ज्यादा एक्यूट एंगल क्लोजर में जा सकता है पेशेंट, ठीक है। ठीक ये है, अब देखो आपने डायलेट करा दिया पेशेंट को, डायलेट कराने के बाद आप फंडस अब देखेंगे, आपने सब आईओपी चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, अब आपको यहाँ पे दिखता है ओपीडी में टॉर्चस, डायलेटेड टॉर्चस वेन यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है, ये ऐसे आप लिख देते डायलेटेड टॉर्चस वेन, टॉर्चस वेन, उसके बाद आपको डॉट ब्लॉट हेमरेज, डॉट ब्लॉट और फ्लेम सेप्ड हेमरेज, ये आप करते हैं, ये ऐसे करना नहीं है, कैसे करना है वो मैं आपको केस हिस्ट्री में बताऊंगा। यहाँ आप क्या करते हैं, आप अपने आप से रिलेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ आप लिख देते हैं कॉटन वूल स्पॉट, कॉटन वूल स्पॉट, ठीक है, ये आपको मिला है, और ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर देते हैं, एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग लिख देते हैं, क्या टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस, टोमेटो टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस, ठीक है, स्प्लैश और टोमेटो केचअप अपीयरेंस, टोमेटो केचअप अपीयरेंस, टोमेटो केचअप अपीयरेंस, ठीक है, ये आप लोग ऐसे करते हैं केचअप अपीयरेंस, ठीक है। और एट लास्ट देखो यहाँ पे आप लोगों ने ये, ठीक है, ये फाइंडिंग देखी है, लेकिन ये फाइंडिंग जब तक आप लोग इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे ना, डॉट ब्लॉट हेमरेज, फ्लेम सेप्ड हेमरेज को, कॉटन बूथ स्पॉट को, और ये टोमेटो कैचअप या टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस को, तब तक एग्जामिनर आपको इसमें मार्क्स नहीं दे, ठीक है। आपने इसको प्रॉपरली इसको डिस्क्राइब करना है एग्जाम में, ये ओपीडी बेसिस पे आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपने प्रॉपरली इसको डिस्क्राइब करना है, प्रॉपरली अगर आपने डिस्क्राइब कर दिया तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे डिस्क्राइब करना है इस फाइंडिंग को, ये हम देखेंगे आगे, ठीक है, जब हम केस प्रेजेंटेशन देखेंगे। ये रॉन्ग मेथड है, राइट मेथड क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा फंडस फाइंडिंग, इसके बाद क्या कराते हैं, हमने देख लिया फंडस, हमको लग रहा है कि ये सीआरबीओ हो सकता है, इस्टीमिक नॉन इस्टीमिक दोनों हो सकता है, हमें इस्टीमिक नहीं पता चला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्दर क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन में हम ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, क्या कर देते हैं, कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट की मैं बात करा बोल बोल बता रहा हूँ, सारे स्टूडेंट नहीं, कुछ कुछ स्टूडेंट तो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, लेकिन जो अच्छे से नहीं कराते मैं उनकी बात बता रहा हूँ, ठीक है। बीपी शुगर करा लेते हैं, लिपिड प्रोफाइल करा लेते हैं, मतलब ओल्ड एज के हिसाब से, ओल्ड एज के हिसाब से
और उनको मिलता क्या है यहाँ पे, बीपी शुगर करा लिया, लिपिड प्रोफाइल करा लिया और ईसीजी करा लिया, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है। और यहाँ से होमोसिस्टीन लेवल्स, होमोसिस्टीन लेवल्स। हाँ वेरी गुड, अगर यंग है, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ रॉन्ग मेथड जो करते हैं स्टूडेंट और क्या करना चाहिए, मैं वो बताऊंगा आगे केस डिस्कशन में, ठीक है। यंग एज ग्रुप है तो वहां पे होमोसिस्टीन लेवल और भी बहुत कुछ है, वो सब कहाँ पे हमारा ऑब्सक्योर है, जो हमारी रिस्क फैक्टर है ना, वो अगर हमको याद है तो हमको पता चल जाएगा कि क्या हमने इन्वेस्टिगेशन कराना है, ठीक है। तो हम रिस्क फैक्टर भी यहाँ पे याद करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन होंगे हमारे पास, वो सारे इन्वेस्टिगेशन भी हम उससे रिलेटेड कराएंगे, ठीक है। ये तो सिस्टमिक हो गया। ओकुलर इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, ओकुलर इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, एफएफए कराते हैं, यहाँ पे एफएफए कराते हैं। अब मैंने यहाँ पे ग्रुप में क्वेश्चन दिया था, एफएफए का इंडिकेशन क्या होगा, कब आप एफएफए कराएंगे, इंडिकेशन क्या होगा, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ एफएफए। कई स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया था कि इस्कीमिक नॉन इस्कीमिक सीआरबीओ में कराएंगे, इस्कीमिक नॉन इस्कीमिक में, इस्कीमिक वर्सेस नॉन इस्कीमिक हम डिफरेंशिएट करने के लिए, नॉन इस्कीमिक एनवीडी एनवी ई को डिफरेंशिएट करने के लिए, एनवीई को, और लास्ट जो नहीं बताया था किसी ने, मैकुलर सीमिया है या नहीं है पेशेंट को, उसको भी रूल आउट करने के लिए हम क्या कराते हैं, एफएफपी कराते हैं। अब यहाँ पे वाइवा का क्वेश्चन बनता है कि मैकुलर सीमिया कब बोलोगे, नॉर्मल जो फोवियल एवस्कुलर जोन है उसकी कितनी होती है डायमीटर, उसका साइज सिक्स कितना हंड्रेड होता है, फाइव माइक्रोन या फिर हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड फाइव हंड्रेड माइक्रोन माइक्रोन्स माइक्रोन और मैकुलर सीमिया कब बोलोगे, ग्रेटर सर देन जी 1000 माइक्रोन्स। हाँ मोर देन 1000 अगर माइक्रोन हो जाता है तब आप उसे मैकुलर इस्कीमिया बोलोगे, ठीक है। अब ये सब हमको पता रहता है। अब मुझे ये बता सकते हो, अगर सीएनपी एरिया, यहाँ हम सीएनपी एरिया भी चेक कर रहे हैं, सीएनपी अगर मोर देन 10 डिस्क डायमीटर आता है तो इसको क्या बोलेंगे, इस्कीमिक या नॉन इस्कीमिक, इस्केमिक इस्कीमिक, इस्केमिक वेरी गुड, इसको आप इस्कीमिक बोलोगे। और अगर लेस देन 10 डिस्क डायमीटर आता है तो नॉन डिस नॉन इश्किमिक। नॉन इस्कीमिक। देखो ये तो हो गया, अब यहां तक आप सब लोगों को पता है, अब मुझे कोई बता सकता है कि कैसे पता चलेगा ये 10 डिस्क डायमीटर से ज्यादा है कम है, आप तो ये चेक कर रहे हो, ये चेक कर रहे हो, कैसे पता चलेगा ये 10 डिस्क डायमीटर से ज्यादा है कम है, कोई बता सकता है मेरे को। फ्लोरोसेंस सर कम होगा तब माइल्ड होगा। नहीं, आप नहीं कैसे पता लगाओगे कि ये 10 डिस्क डायमीटर से ज्यादा है सीएनपी एरिया या कम है, कोई बता सकता है, आप तो ये चेक कर रहे हो ये सीएनपी एरिया है, ये सीएनपी एरिया है, कोई मुझे बता सकता है ये ज्यादा है 10 डिस्क डायमीटर से कम है, कैसे पता लगाओगे। सर, एवी ट्रांजिट टाइम डिले हो जाएगा। नहीं, वो नहीं, कोई है, कोई बता सकता है, नहीं है। देखो यहाँ पे वाइवा का क्वेश्चन बनता है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये 10 डिस्क डायमीटर से ज्यादा है या कम है, इसको हम पता लगाते हैं इस्कीमिक इंडेक्स से, कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज इस्कीमिक इंडेक्स। अब आपसे इस्केमिक इसका बाय टोटल टोटल एरिया। हाँ, अब आपको इस इस्कीमिक इंडेक्स का सिग्निफिकेंस समझ आ जाएगा। इसमें हम करते क्या है, जो नॉन परफ्यूज रेटिना है, नॉन परफ्यूज रेटिना का जो एरिया है, नॉन परफ्यूज रेटिना का ये जो एरिया है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल एरिया से, टोटल एरिया से, टोटल एरिया से, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ रेटिना, रेटिना के टोटल एरिया से हम डिवाइड कर देते हैं। ये जब ग्रेटर हाँ, ये जब इक्विवेलेंट आता है 50% के आसपास आता है, यानी जो हमारा नॉन परफ्यूज रेटिना जो है वो 50% है टोटल रेटिना के, तब हम उसको बोलते हैं इस्कीमिक रेटिना। और ये इक्विवेलेंट होती है लगभग किसके, 10 डिस्क डायमीटर, इसको माना जाता है लगभग इक्विवेलेंट टू 10 डिस्क डायमीटर, 10 डिस्क डायमीटर, ठीक है। और 10 डिस्क डायमीटर से इससे अगर ज्यादा हुआ तो हम उसको इस्कीमिक बोल देंगे और कम हुआ तो नॉन इस्कीमिक बोल देंगे, इज इट क्लियर। ये वाइवा का क्वेश्चन बनता है एग्जाम, ठीक है, ये वाइवा में पूछा जाता है। अब देखो ये हो गया, इसके बाद हम एफएफए के बाद ओसीटी कराते हैं, ओसीटी को भी हमने देखा उसमें थ्योरी लेक्चर में, ओसीटी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेनली मैकुलर इडिमा को डिस्क्राइब करने के लिए, मैकुलर इडिमा को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, ओसीटी कराते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी कभी हमें अल्ट्रासाउंड कराने की भी जरूरत पड़ती है, अल्ट्रासाउंड वो भी हम कराते हैं, कब कराते हैं कोई बता सकता है मुझे, कब कराते हैं, हेजी पिछले हो क्या, गया है तो विट्रस इम्बेस बेटर होता है या हेमरेज, मीडिया बहुत हेजी हाँ होता वेरी है सर तो गुड वेरी गुड, यहाँ उसके मीडिया अगर हेजी है, विट्रियस हेमरेज है अगर, और उसमें हमें रेटिना का स्टेटस चेक करना है, तब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अब देखो दो नई इन्वेस्टिगेशन, नई नहीं है तो पुरानी, लेकिन उनको हम इग्नोर करते हैं अधिकतर, इसीलिए एग्जामिनर हमसे पूछते हैं क्या इसमें ईआरजी का कुछ डिफरेंस मिलेगा, ईआरजी का कुछ सिग्निफिकेंस है इसमें,
ईआरजी का यस सर, इनिस्कीमिस यस देयर विल बी सर, एटेन्यूएशन डिक्रीज्ड बी वेव एम्प्लीट्यूड एंड वेरी डिक्रीज्ड गुड वेरी गुड स्पाइरल वेरी गुड। रेशियो। देखो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक ईआरजी आपने याद रखना वाइवा पॉइंट से, बाकी आप ओसीटी एफएफए तो खूब पढ़ते हो वो बता देते हो, ईआरजी का डिफरेंस आपसे पूछेगा एग्जामिनर। तो देखो होता क्या, मैं आप लोगों को इसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ, ये ए वेव है और ये बी वेव है। बी वेव लगभग ट्वाइस होती है ए वेव के, तो जब इश्चिमिक रेटिना हो जाती है ना, तो ये बी वेव का एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाता है। कितना रिड्यूस हो जाता है, ए वेव से भी कम हो जाता है, यानी जो बी वाई ए रेशो है पहले मोर यस देन वन होती है, मोर देन सर, वन होती है, लेकिन इन नॉर्मल रेटिना में, नॉर्मल रेटिना में बी वाई यस ए सर, रेशो मोर देन वन होती है, लेकिन जब इसका एम्पलीट्यूड इससे भी कम हो जाएगा ना, तो बी वाई ए रेशो क्या हो जाएगा, लेस लेस देन देन वन। वन होते हैं तो ऐसा हम मानते हैं कब, इश्चिमिक रेटिना में, इस इश्चिमिक। समय। अब देखो वही आ गया ना, इश्चिमिक नॉन इश्चिमिक का खेल यहाँ पे भी आ गया। तो इश्चिमिक यस रेटिना के लिए क्या होता है, ई आर जी बी वाई ए रेशो जो है वो लेस देन वन हो जाती है, ठीक है। और एक लास्ट इन्वेस्टिगेशन और देखो, हालांकि ये ज्यादातर कराते नहीं है, लेकिन वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एग्जामिनर कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। विजुअल फील्ड भी आपसे पूछ देता है, विजुअल फील्ड यहाँ पे कराएंगे पेशेंट पे या नहीं कराएंगे, विजुअल फील्ड में क्या फाइंडिंग मिलेगी। कराते नहीं है वैसे अधिकतर लोग, अधिकतर स्टूडेंट, अधिकतर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, लेकिन फिर भी यहाँ पे वाइवा के लिए आपसे पूछ दिया जाता है कि विजुअल फील्ड में कुछ फाइंडिंग मिलेगी यहाँ पे, विजुअल फील्ड में या नहीं, ठीक सेंट्रल है। इसका तो हाँ इसको देखो होता तो क्या, हाँ होता क्या है, जब ये जो रेटिना, ये रेटिना है पेरिफेरी में क्या होता है, हेमरेज ज्यादा होता है पेरिफेरी में, स्मॉल स्मॉल वेसल्स रहती है, तो वहां पे इस्कीमिया होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं पेरिफेरी में, ठीक है। हालांकि पता नहीं चलते हैं पेरिफेरी के इस्कीमिया, क्योंकि वहां पे विजन नॉर्मल रहता है, विजन अधिकतर पेशेंट का नॉर्मल रहता है, लेकिन क्या होता है अगर रिजॉल्विंग केस है वहां पे, अगर रेटिना डैमेज हो गई है और रिजॉल्व हो रहा है सीआरवीओ, तो वहां पर रेटिना अगर परमानेंट डैमेज हो जाती है, तो वहां पे विजुअल फील्ड कंस्ट्रिक्शन होता है, विजुअल फील्ड कंस्ट्रिक्शन होता है, कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, विजुअल फील्ड कंस्ट्रिक्शन होता है यहाँ पे, तो विजुअल फील्ड इफेक्ट मिलता है, बस इतना याद रखना। और क्योंकि ये विजुअल फील्ड कंस्ट्रिक्शन ग्रॉस हम देखते हैं, क्योंकि सेंटर नहीं है पेरिफेरी, पेरिफेरी में है ये विजुअल फील्ड कंस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पे क्या कराओगे आप, स्टेटिक पेरिमिट्री और काइनेटिक पेरिमिट्री, स्टेटिक और काइनेटिक बताओ, यहाँ पे एचएफए कराओगे, हम्फ्रे फील्ड एनालाइजर, या गोल्डमैन पेरिमिट्री कराओगे, तो गोल्डमैन कराएंगे। गोल्डमैन कराओगे, ठीक है। क्योंकि एचएफए अधिकतर क्या होता है 30 डेज 2 में ही काम करता है, 24 डेज 2 ऐसे सेंटर ऑफ द फंडस के लिए एचएफए काम हो जाता है, लेकिन पेरिफेरी ऑफ द फंडस हमें देखना है विजुअल फील्ड लॉस, तो उसमें हमें काइनेटिक पेरिमिट्री कराना पड़ता है, वहां पे गोल्डमैन पेरिमिट्री यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद एट लास्ट जब आप ये सारी ओसीटी एफएफए करा लेते हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, उसके बाद लास्ट में मैनेजमेंट करते हैं आप, मैनेजमेंट में वही है मैकुलर इडिमा है, तो उसके लिए हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी लेक्चर में, क्या ट्रीटमेंट करना है, नॉन इस्कीमिक अगर सीआरबीओ है, नॉन इस्कीमिक सीआरबीओ है, तो उसे अधिकतर फॉलोअप में रखते हैं, ठीक है, चेक करते हैं उसे हर मंथ बुला के, और अगर न्योवास्कुलराइजेशन है तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं, लेजर करते हैं, और मैकुलर इडिमा रहता है तो उसके लिए भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या थ्योरी होती है, क्या क्या स्टडीज है यहाँ पे स्टेरॉइड की, क्या क्या स्टडीज है एंटी वेजेस की, ये हम देख चुके हैं इसमें हमारे थ्योरी लेक्चर में, ये वहां से पढ़ना है आपने मैनेजमेंट, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट ये। देखो ये तो हो गया प्रोमो, जो भी मैं मूवी दिखाने वाला हूँ, जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ एक्चुअल लेक्चर में, उसका ये एक पार्ट हो गया, जो आप ओपीडी में करते हो, हॉज पॉज जो भी करते हैं आप लोग ओपीडी में, वो मैंने आपको बताया। अब आपने एक स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे आपने प्रेजेंट करना है अपना सीआरबीओ का पेशेंट प्रैक्टिकल में, वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले दो पॉइंट मैंने जो आप लोगों को बताए थे वो आपने याद कर लेने हैं, एकदम कंठस्थ होने चाहिए आप, ये आप लोगों को, कि इस्कीमिक नॉन इस्कीमिक में डिफरेंस क्या है, इस्कीमिक नॉन इस्कीमिक में डिफरेंस क्या है, और दूसरा रिस्क फैक्टर। अब देखो क्योंकि मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एकदम अच्छे से आप लोगों को याद होने चाहिए, तो इसके लिए आपने रटना नहीं है, कैसे समझना है इसको, देखो इसको जो मैंने आप लोगों को ओपीडी अप्रोच बताई है ना, उसी ओपीडी अप्रोच से मैं हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे पूरा डिफरेंस इस्कीमिक नॉन इस्कीमिक में, इससे आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये बस आप लोगों को ये 7 पॉइंट ऐसे ही याद करना है, आपने पूरा डिफरेंस नहीं याद करना है, केवल 7 पॉइंट ऐसे ही याद करने हैं जो मैंने ये 7 पॉइंट लिखे हैं। अब देखो सबसे पहले मैंने लिखा इंसिडेंस, तो मुझे ये बताओ नॉन इस्टिमिक सीआरबीओ ज्यादा कॉमन है या इस्टिमिक, नॉन नॉन इस्टिमिक इस्टिमिक, नॉन नॉन इस्टिमिक
ठीक है। अब देखो तो पेशेंट आपके पास आएगा, ज्यादातर पेशेंट आएंगे नॉन इस्कीमिक के, तो इसका इंसिडेंस सबसे ज्यादा है, इसका कम है, इसका लगभग 80% है, इसका 20% है, ठीक है। उसके बाद एज वाइज अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है तो एज वाइज कौन सा ओल्ड होगा कौन सा यंग होगा, इस नॉन इस्कीमिक का और इस्कीमिक में क्या डिफरेंस होगा एज वाइज। आपके पास जो पेशेंट आएगा नॉन इस्कीमिक वाला थोड़ा यंग एज में रहेगा, यंग एज में रहेगा, और इस्कीमिक वाला थोड़ा ओल्ड एज में रहेगा, ओल्ड एज में रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आपने ब्रॉडली डिफरेंस बताने होते हैं। अब देखो साइन एंड सिम्टम जो भी हम पढ़े, जो भी आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है, वो सारे साइन एंड सिम्टम इसमें माइल्ड होंगे, इसमें माइल्ड होंगे, ये राहुल ने लिख के भी भेजा था, देख लेना। और इसमें सीवियर, इसमें माइल्ड टू मॉडरेट होंगे, जितने भी साइन एंड सिम्टम हम पढ़ते हैं, वेसल टॉर्चोसिटी जो हम देखते हैं, डॉट ब्लॉट, फ्लेम सेप्ट, हेमरेज देखते हैं हम लोग, कॉटन वूल स्पॉट, इसमें माइल्ड टू मॉडरेट होंगे और इसमें सीवियर होंगे, इसमें सीवियर होंगे, ठीक है। पेशेंट आए हमारे पास, ज्यादातर पेशेंट नॉन इस्कीमिक के आएंगे, उसमें भी एज ग्रुप अगर नॉन इस्कीमिक है यंग एज ग्रुप रहेगा आपके पास जो आएगा, और इस्कीमिक है तो ओल्ड एज ग्रुप रहेगा, ठीक है। उसके बाद पेशेंट ओपीडी में आने के बाद आप क्या करेंगे, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम पूछेंगे, सिम्टम पूछेंगे और साइन देंगे, और फिर उसके बाद विजन कराएंगे आप पेशेंट का। तो अब विजन मुझे बताओ, विजन में क्या डिफरेंस होगा इस नॉन इस्कीमिक और इस्कीमिक में, इज देयर एनी डिफरेंस? सिमिक में सिर्फ लेस देन 6/60 होगा या वेरी गुड। पीएलपीआर होगा। इसमें क्या होता है, विजन मोर देन 6/60 होता है और इसमें लेस देन 6/60 होता है, ठीक है। ये आप लोगों को समझना है, ये समझना, ये रटना नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा इस्कीमिया हो जाती है इसीलिए विजन कम हो जाता है, इसमें ज्यादा इस्कीमिया नहीं होती इसीलिए विजन ज्यादा रहता है। तो ये प्रोग्नोस्टिक मार्कर भी है, विजन इसका प्रोग्नोस्टिक मार्कर भी है, प्रोग्नोस्टिक मार्कर। अगर विजन बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट है तो प्रोग्नोसिस भी उसका पुअर होगा, और कम डिटेरियोरेट है विजन तो वहां पे गुड प्रोग्नोसिस, ठीक है। पिपिल और आयरिस में क्या चेक करोगे, पिपिल और आयरिस में आरएपीडी नहीं सर होगा, आरएपीडी आरएपीडी, होगा हाँ सिर्फ और आयरिस। आरएपीडी इसमें मिले नहीं मिलेगा, अधिकतर इसमें नेगेटिव रहता है और इसमें पॉजिटिव रहता है। और आयरिस में नियोवस्कुलराइजेशन चेक करोगे तो नियोवस्कुलराइजेशन आयराइडिस और एनवीए चेक करोगे, तो इसमें अधिकतर नहीं रहता है और इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ये हो गया सिम्टम देख लिए, स्लिट लैम्प में आपने पिपिल और आयरिस देख लिया। इसके बाद आप फंडस कराओगे, अब फंडस से भी पहले हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, गोनियोस्कोपी करेंगे, गोनियो करेंगे, ठीक है। किसको चेक करने के लिए, ये एनवीए को चेक करने के लिए, तो इसमें एनवीए नहीं मिलेगा और इसमें मिलेगा। अब फंडस में, फंडस फाइंडिंग जैसे आप लोगों को एग्जाम में एक्सप्लेन करना है ना, वैसे ही याद करो, मीडिया, मीडिया आपने एक्सप्लेन करना है, तो मीडिया बताओ हेजी किसमें हो सकता है, इसमें या इसमें, सरिस्टमिक में हो सकता इस्कीमिक है। में। अगर इसमें क्या हुआ, नियोवस्कुलराइजेशन हुआ और विट्रियस हेमरेज हुआ, तो यहाँ पे मीडिया हेजी मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम फंडस फाइंडिंग लिखते हैं क्या, ऑप्टिक डिस्क या वेसल्स, वेसल्स इसमें कम टॉर्चुअस होंगी, ऑप्टिक डिस्क में यहाँ पे इडिमेटस मिल सकती है, ठीक है, इडिमा मिल सकता है, यहाँ पे नॉर्मल होगी अधिकतर ऑप्टिक डिस्क। वेसल्स यहाँ पे कम लेस टॉर्चुअस रहेंगी, लेस टॉर्चुअस, और यहाँ पे मोर टॉर्चुअस रहेंगी, मोर टॉर्चुअस, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आता है ऑप्टिक डिस्क हो गया, रेटिना में हेमरेज और कॉटन वूल स्पॉट की बात करोगे, हेमरेज एंड कॉटन वूल स्पॉट, कॉटन वूल स्पॉट यहाँ पे कम मिलेंगे और यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, मोर। ये हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन में जो हमने अभी तीन इन्वेस्टिगेशन देखी थी, हमने फंडस देख लिया, ये कर लिया सब, अब हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे पेशेंट का। तो इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, वही तीन पॉइंट हो गए हमारे पास, एफएफए, ईआरजी और विजुअल फील्ड, ईआरजी और विजुअल फील्ड, ये अभी हमने डिस्कस किया। तो एफएफए में यहाँ पे इस्कीमिक एरिया ज्यादा रहेगा, मोर देन 10 डिस्क डायमीटर, और यहाँ पे कम रहेगा, लेस देन 10 डिस्क डायमीटर। ईआरजी में यहाँ पे बी वाई ए रेशो, बी वाई ए रेशो लेस देन 1 हो जाएगी और यहाँ पे मोर देन 1 होगी, ठीक है। और विजुअल फील्ड में यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन मिल सकता है या नहीं मिलेगा विजुअल फील्ड का। और प्रोग्नोसिस में तो मैंने बताया, जिसका विजुअल एक्विटी जितना ज्यादा होगा प्रोग्नोसिस उतना अच्छा होगा, और जिसका विजुअल एक्विटी जितना कम होगा 6/60 से भी लेस होगा उतना पुअर। तो ये सब आपने समझना है, ये सब रटना नहीं है एग्जाम के लिए, ये कंपेरेटिवली आप याद आपको याद आ जाएगा। बस आपने ये 7 पॉइंट याद रखने हैं, कि आपने इंसिडेंस बताना है, एज बताना है, सिम्टम्स बताना है, पीपिल आयरिस बताना है, फंडस, इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस बताना है, प्रोग्नोसिस का डिफरेंस बताना है। यही हम आगे डिस्कस करेंगे इसके केस में, ठीक है। अब आगे आ जाओ, दूसरा पॉइंट जो मैंने बोला था केस प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बोला था, आप लोग बताएंगे मुझे एज का क्या रिस्क, एज किस, एज के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है इसका रिस्क फैक्टर। अगर एज मोर देन 60 है तो उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू, हालांकि लेस देन 60 में भी, यंग एज में भी मिलते हैं, उसके लिए फिर अलग रिस्क फैक्टर। मोस्ट कॉमनली जो सीआरवीओ मिलता है वो मोर देन 60 में मिलता है,
लेस देन 60 में अगर कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है तब मिलता है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट कॉमन जो इसका रिस्क फैक्टर है, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर दैट इज द हाइपरटेंशन, ठीक है। इसको मैं बता चुका हूँ कैसे, एक्सप्लेन कर चुका हूँ थ्योरी लेक्चर में हाइपरटेंशन कैसे कॉज कराता है सीआरपी। उसके बाद एक रिस्क फैक्टर डायबिटीज भी होता है। ये तीन के तीनों रिस्क फैक्टर जो है ना, दे आर मेनली फॉर द ओल्डर एज ग्रुप। ओल्डर एज ग्रुप, अगर ओल्ड एज ग्रुप का पेशेंट आया है तो अगर आप इतनी इन्वेस्टिगेशन बस करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन यंगर एज ग्रुप में, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, मैंने बताया यंगर एज ग्रुप में कॉमन नहीं है, अगर यंगर एज ग्रुप का पेशेंट आपके पास आता है तो फिर आपने बाकी इन्वेस्टिगेशन भी करानी है, बाकी इन्वेस्टिगेशन भी करानी है यंगर एज ग्रुप में, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये हमेशा यंगर एज ग्रुप में ही प्रेजेंट हो सकता है, ये ओल्डर एज ग्रुप में भी प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर आपको ये तीनों फाइंडिंग नॉर्मल मिलती है तो फिर आपको ओल्डर एज ग्रुप में भी ये बना करना कराने पड़ेंगे इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो आप कोगलोपैथी में मुझे बता सकता है कोई क्या क्या आप कराएंगे यहाँ पे, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है? एक तो हाइपर होमोसिस्टिनीमिया किसी ने बताया था, होमोसिस्टिनीमिया, एप्ला हाँ ये देखो, ये एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी एपला हो गया, एपला हो गया, ठीक है। द प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन है प्रोटीन प्रोटीन से देखो, अब से आपने ज्यादा इतना ज्यादा याद नहीं करना, आपने दो तीन एग्जाम्पल बस याद कर लिए, एग्जामिनर के पास वैसे भी टाइम नहीं रहता बहुत ज्यादा पूछने के लिए, इतने तीन भी बता दिए आपने, सफिशियंट है। उसके बाद इन्फेक्शियस कॉज क्या क्या हो सकते हैं इसमें, व्हाट आर द टीबी इन्फेक्शियस, एचआईवी और टीबी, हाँ ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस सिफिलिस, सिफिलिस और एचआईवी, वेरी गुड। एचआईवी। अब देखो इसको कैसे याद करोगे, TSH करके याद कर लेना, मैंने थ्योरी में भी बताया था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टी से टीबी, एस से सिफिलिस और एच से एचआईवी, ठीक है। इसके बाद इन्फ्लेमेटरी फैक्टर में भी तीन याद कर लेना, इससे ज्यादा नहीं करने आप लोगों ने, सार्कोइडोसिस, सार्कोइडोसिस एचएडीसी और वेजनर बेस्ट ग्रेन, ठीक है। ये जो कॉजेज हैं देखो, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, इसमें ग्रेनुलोमा बनता है, इसमें वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटी होती है, तो वहां पे ऑक्लूजन करा सकता है वो ग्रेनुलोमा। ऐसी सेम सिफिलिस, और ये इन्फेक्टिव लीजन है जो कि क्या करा सकते हैं, हिमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम करा सकते हैं, जहाँ पे क्या हो सकता है, जहाँ पे थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म हो सकता है, जिसकी वजह से ऑक्लूजन होगा, ठीक है। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं थियरी लेक्चर में। यहाँ पे जैसे ये सार्कोइडोसिस है, ये ग्रेनुलोमा बनाएगा, उससे ऑक्लूजन हो सकता है, और यहाँ पे ये बेजेट डिजीज, और ये ऑटो इम्यून रिलेटेड है, ऑटो इम्यून रिलेटेड है, ऑटो इम्यून वेस्कुलर डिजीज है, वेस्कुलर डिजीज है, ठीक है। तो ये क्या करा सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, ये अगर वेसल है, ये मैं यहाँ से रेड कलर से बना देता हूँ इसे, ये अगर वेसल है तो अगर ये मान लिया वेन है, ये वेन है, वेन है, ठीक है, ये अगर ओक्लूड हो रही है तो यहाँ पे अपने दिमाग में आपने क्या सोचना है, कॉज यहाँ भी हो सकता है आउटसाइड दी वेन, वेन के आउटसाइड में, यहाँ से अगर कोई कंप्रेस कर रहा है कोई लीजन, कोई अगर ग्रेनुलोमा बन रहा है यहाँ पे इसके सराउंडिंग में, तो भी ये इसे कंप्रेस कर सकता है। वेस्कुलाइटिस अगर है, ऑटो इम्यून वेस्कुलाइटिस, तो भी वहां पे इन्फ्लामेशन होगा, वहां पे थ्रोम्बोसिस हो सकता है, वहां पे ओक्लूजन हो सकता है, और अंदर अगर कोई कॉज है, इसके अंदर अगर कोई कॉज है, मैंने वेस्कुलर अगर डिसऑर्डर है, जैसे फॉर एग्जांपल होमोसिस्टिन्यूरिया है, होमोसिस्टिनीमिया है, वहां पे एप्ला सिंड्रोम है, तो वहां पे थ्रोम्बोसिस अंदर होगा तो वहां पे ओक्लूजन होगा, तो वो वेसल वॉल में भी इसका कॉज हो सकता है, आउटसाइड दी वेसल वॉल और इनसाइड दी वेसल वॉल। अगर आप लोग क्लासिफाई करेंगे तो इन्हीं तीन क्लासिफिकेशन में ये पूरे के पूरे रिस्क फैक्टर आ जाएंगे, और ये मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ थ्योरी लेक्चर में, ठीक है। अब देखो, क्रॉनिक रीनल फेलियर में क्यों मिलता है सीआरबीओ, मुझे बताओ, रेटिनल वेन ऑक्लूजन क्यों मिलता है क्रॉनिक सीआर, ये क्रॉनिक रीनल फेलियर में कोई बता सकता है? हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन, वेरी गुड, हाइपरटेंशन हो सकता है वहां पे, और बहुत सारे सर मेटाबॉलिक, हाँ मेटाबॉलिक एनीमिया डिसऑर्डर भी होते हैं, मेटाबॉलिक, एनीमिया हाँ अनीमिया भी हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी होते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट में। अब देखो आपने सोचना कैसे, मैंने बोला था आप लोगों को कि प्रैक्टिकल में आपने सोचने की थिंकिंग डेवलप करनी है, ठीक है, थिंकिंग डेवलप करनी है बेसिकली, तो कैसे सोचना है आपने, देखो अगर कोई मेडिसिन से आपके पास रेफरेंस आता है जिस पेशेंट को सीआर ये है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, कई बार मेडिसिन वाले फंडस रेफरेंस भेजते हैं आपके पास, फंडस रेफरेंस भेजते हैं, तो आपने उस टाइम ये सोचना है कि हाँ हो सकता है ऐसे पेशेंट में सीआरबीओ हो या बीआरबीओ, सीआरबीओ बीआरबीओ हो सकता है, तो फिर आपने फंडस एग्रेसिवली देखना है ऐसे पेशेंट का, तो ये थिंकिंग डेवलप करनी है आपने अपने माइंड, ठीक है। इसके बाद देखो ऑकुलर कॉज क्या हो सकते हैं, यहाँ पे आप ही लोगों ने बताया था ग्लोकोमा है, अगर है ग्लोकोमा अगर है तो क्या करेगा, यहाँ पे कंप्रेस करेगा, यहाँ की वेन को और वेसल को यहाँ पे कंप्रेस करेगा, जितना प्रेशर बढ़ा हुआ होगा उतना ज्यादा कंप्रेस करेगा और वहां पे ऑक्लूजन के चांस ज्यादा होंगे। तो ये मुझे बताओ, ये कॉज जो है ये इनसाइड दी वेसल है, ऑन दी वेसल वॉल है, या फिर आउटसाइड दी वेसल वॉल है?
ये वाला जो कॉज है ग्लोकोमा वाला, ये कौन से टाइप का रिस्क फैक्टर है? इनसाइड दी वेसल वॉल, मतलब आउटसाइड आउटसाइड दी वेसल वॉल। तो आउटसाइड आप लोगों ने इस तरह से सोचना है, तब आप लोग आगे इसके केस प्रेजेंटेशन को अच्छे से बता पाएंगे। इसके बाद ये बताओ, यहाँ पे अगर डिस्क क्राउडेड है तो उस केस में भी क्या होगा? यहाँ पे ओक्लूजन के चांसेस ज्यादा होंगे। और क्राउडेड डिस्क किस में मिलती है? हाइपर मेट्रोप्स में, हाइपोमेट्रोपिया हाइपर मेट्रोप्स में, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि पेशेंट को थिक ग्लास, प्लस थिक ग्लासेस तो नहीं है, प्लस थिक ग्लासेस जितने ज्यादा होंगे, प्लस ग्लासेस थिक ग्लासेस जितने ज्यादा, तो ये आप क्या करेंगे, ये अपने केस हिस्ट्री में पूछेंगे कि हाँ बहुत ज्यादा थिक ग्लास प्लस वाला प्लस लेंस तो नहीं लगा रहा है। वहां पे अगर लगा रहा है ऐसा पेशेंट, तो हो सकता है वहां पे क्राउडेड डिस्क हो, जिसकी वजह से वेस्कुलर ओक्लूजन में, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, हिस्ट्री में पूछते हैं, दैट इज द स्मोकिंग की हिस्ट्री लेते हैं। स्मोकिंग का तो ये एक तरह का कंफाउंडिंग फैक्टर है, कई सारी डिसीज में स्मोकिंग जो है ये बैड इफेक्ट कॉज कराता है। और अगर फीमेल प्रेजेंट कर रही है तो उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की हिस्ट्री लेनी है हमें, ओरल कॉन्ट, क्योंकि ये इसका साइड इफेक्ट हमने पढ़ा था पीएसएम में क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होता है, ठीक है। और लास्ट में डिहाइड्रेशन से क्या होता है, स्लगिश हो जाता है जो ब्लड फ्लो है, स्लगिश रिएक्शन एक वर्चुओ ट्रायड में आता है। स्लगिश अगर वो हो गया, फ्लो हो गया ब्लड का, तो वहां पे भी चांसेस रहते हैं ज्यादा ज्यादा वहां पे वेस्कुलर ओक्लूजन के, ठीक है, वेस्कुलर ओक्लूजन। तो इसको कैसे याद रखोगे, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटे, SOD करके याद करोगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये तो आपको इसके रिस्क फैक्टर समझ में आ गए। अब यही रिस्क फैक्टर मैं एक एक करके यहाँ, ये मैं क्यों इतना डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर जितने भी मैंने बताए ना आप लोगों को, यही मैं एक एक करके उसमें पूछूंगा आप लोगों से, जब केस प्रेजेंटेशन आगे बताऊंगा, ठीक है। अब ये तीन तो आपने अलग कर लेने हैं, कौन से तीन, ये एज, हाइपरटेंशन, ये ओल्ड एज में, ओल्ड एज में, ठीक है। और इसको कैसे याद करोगे, CIIS, सिस, जैसे सिस और ट्रांस होता है, इसको उससे याद कर सकते हैं। और ये ओकुलर और अदर लास्ट में हो जाएंगे, तो इससे ओवरऑल ये आपके रिस्क फैक्टर याद हो जाएंगे सारे, ठीक है। अब हम बात करते हैं रियल केस प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब जो जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है वो सारा यहाँ अप्लाई करना है, इसीलिए मैंने बेस बनाया है, ठीक है। तो अब देखो केस प्रेजेंटेशन में पेशेंट आता है हमारे पास, 60 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंटेड विद चीफ कंप्लेन ऑफ सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन इन राइट आई, राइट आई में सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन है, ठीक है, ये कंप्लेन आ रहा है पेशेंट का। इसके अलावा और क्या कंप्लेन आ सकता है पेशेंट का? हो सकता है नियोवास्कुलर ग्लोकोमा हो, तो पेशेंट को रेयरली, इतना ज्यादा प्रेजेंट नहीं करते, रेयरली पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है पेन के साथ, ठीक है, विद रेडनेस, पेन के साथ साथ अगर रेडनेस है, ठीक है, ये किस वजह से होगा, ड्यू टू नियोवास्कुलर ग्लोकोमा, ठीक है। तो ये भी मिल सकता है आपको, इसीलिए मैं ये ऑप्शनल में बता रहा हूँ, नियोवास्कुलर ग्लोकोमा केस में ये भी हिस्ट्री मिल सकती है, लेकिन अभी पेशेंट की हिस्ट्री बस इतनी, कंप्लेन इतने हैं, पेशेंट कंप्लेन ऑफ सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन, इस पे ध्यान देना है, इन द राइट आई, राइट आई में सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन है पेशेंट को, ठीक है। अब मैंने बोला आप लोगों को अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है, थिंकिंग क्या डेवलप करनी है, कि आपके दिमाग में DD आने चाहिए कि क्या क्या हो सकते हैं DDs के, सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन के। अब देखो यहाँ भी आप लोगों ने एक क्रक्स समझना है यहाँ पे, कि आपने DD 8-10 नहीं याद कर लेना है, आप 4-5 याद करके रखो, कॉमन कॉमन, लेकिन ऊपर होने चाहिए कॉमन कॉमन DD होने चाहिए, ठीक है, जो आप अपनी हिस्ट्री में रूल आउट कर सको, हिस्ट्री में जो DD आप रूल आउट कर सको, उतने 4-5 कॉमन कॉमन DD आप लोगों ने सोचने हैं, ठीक है। वही DD अगर एग्जामिनर पूछता है, अगर एग्जामिनर पूछता है कि यहाँ पे आपका क्या DD आएगा, या फिर व्हाट आर द कॉजेज, यहाँ पे वायवा का क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सडन पेनलेस लॉस ऑफ, कॉजेज ऑफ सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन, सडन पेनलेस लॉस ऑफ, पेनलेस लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ विजन, ठीक है। तो अब देखो कॉजेज में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज क्या होता है, हम लोगों को पता है CRA होता है, और क्या हो सकता है, CRVO, लेकिन सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन या तो मैकुलर इडिमा में होगा या फिर इस्कीमिक CRVO में, इस्कीमिक CRVO में होगा, CRVO में लिख देता हूँ, CRVO, या तो मैकुलर इडिमा होगा या इस्कीमिक CRVO होगा, ठीक है, इसमें मिल सकता है। यही आपने अगर DD में पूछते हैं तो भी यही बताना है, वायवा में अगर पूछते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन, वो उसमें भी आपने यही बताना, ठीक है। इसके अलावा RD अगर है पेशेंट को, तो उसमें भी सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन होगा अगर पेशेंट को मैकुला इन्वॉल्व है, मैकुला इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में अगर विट्रियस हेमरेज है पेशेंट को, विट्रियस हेमरेज किसी भी वजह से हो सकता है, हो सकता है इस्चिमिया की वजह से हो, इस्चिमिक CRVO की वजह से हो सकता है, PDR की वजह से हो, या कोई और नियोवास्कुलराइजेशन हो जिसकी वजह से, या फिर ट्रॉमा हो,
जिसकी वजह से क्या हो सकता है यहाँ पे विट्रियस हेमरेज हो सकता है। ठीक है, ये आपने कॉमन कॉमन तीन चार डीडी इसके याद रखने हैं, सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन के। ऐसे ही सेम आप लोगों ने याद रखने हैं सडन पेनफुल लॉस ऑफ विजन के। देखो यहीं से आपने कनेक्ट करना है, यहीं से ब्रांचेस निकालनी है आपने, सडन पेनफुल लॉस ऑफ विजन, पेनफुल लॉस ऑफ, ये आप लोगों ने ढूंढना है और ग्रुप में भेजना है, व्हाट आर द डीडी या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सडन पेनफुल लॉस ऑफ विजन। ठीक है, और बाकी डीडी हम धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे, अभी हम फोकस करते हैं क्या सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन पे। बस इतना है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ द चीफ कंप्लेन में, ये चीफ कंप्लेन है, चीफ कंप्लेन में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया आप लोगों को ये पेशेंट प्रेजेंट करता है, लेकिन ये पेशेंट का डीडी सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन का कॉज हो सकता है, लेकिन पेशेंट का एक्यूट जो प्रेजेंटेशन होता है ना, प्रेजेंटिंग इलनेस, वो थोड़ी डिफरेंट होगी हर केस में। अब क्या डिफरेंट होगी वो हम आगे देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में। इसमें देखो इस केस में क्या है, यहाँ पे पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, पेशेंट वॉज अपेरेंटली ऑल राइट 2 डेज बैक, 2 दिन पहले एकदम ठीक था पेशेंट। देन उसके, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है अपेरेंटली ऑल राइट 2 डेज बैक, देन ही डेवलप्स सडन पेनलेस डिमिनीशन ऑफ विजन इन राइट आई। ठीक है, राइट आई में सडन पेनलेस डिमिनीशन ऑफ विजन है। उसके बाद हिस्ट्री में पेशेंट को हिस्ट्री एक आती है कि ये जो विजन है ये मॉर्निंग वेकिंग आवर्स में ज्यादा होता है, मॉर्निंग में वेकिंग आवर्स में ज्यादा होता है। तो ये पेशेंट अगर नहीं बोल रहा है तो आप लोगों ने पूछनी है पॉजिटिव हिस्ट्री कि क्या सुबह उठते समय ज्यादा विजन डिटेरियोरेट होता है, क्या विजन ज्यादा खराब होता है, विजुअल एक्यूटी, तो पेशेंट वहां पे हिस्ट्री देगा अगर सीआरबीओ का पेशेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली सीआरबीओ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी बाकी भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे केस आएगा तो आपके दिमाग में एक ब्रॉडर आइडिया बनेगा। तो डिटेरियोरेशन ऑफ द विजन इन वेकिंग आवर्स इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में वेकिंग आवर्स में होता है। अब यहाँ पे जो एग्जामिनर का क्वेश्चन आएगा वाइवा का कि क्यों होता है वेकिंग आवर्स में, वाइवा का क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि वेकिंग आवर्स में क्यों होता है डिटेरियोरेशन ऑफ विजन, डिटेरियोरेशन ऑफ विजन क्यों होगा इन द मॉर्निंग वेकिंग आवर्स, मॉर्निंग में सबसे ज्यादा क्यों होगा, हाईएस्ट क्यों होगा मॉर्निंग में, बता सकता है कोई व्हाई देयर इज मार्क्ड डिटेरियोरेशन ऑफ विजन इन द सीआरबीओ पेशेंट इन अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में क्यों होता है ये जाता है, ये वाइवा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या बताना है यहाँ पे, क्योंकि स्लीप के दौरान क्या होता है बीपी फॉल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं नॉक्टर्नल हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, नॉक्टर्नल हाइपोटेंशन होता है, हाइपोटेंशन। ठीक है, नॉक्टर्नल हाइपोटेंशन होता है, तो अब इसकी वजह से होगा क्या, जो परफ्यूजन है आई में ब्लड परफ्यूजन वो भी अल्टर हो जाएगा, इट अल्टर्स द परफ्यूजन, अल्टर्स द परफ्यूजन प्रेशर, परफ्यूजन प्रेशर अल्टर कर देगा आई में, परफ्यूजन प्रेशर। अब इससे होगा क्या, जो वेन्स में जो ब्लड होगा वो ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, जो वीनस सर्कुलेशन होगा जब परफ्यूजन कम होगा तो वीनस सर्कुलेशन भी स्लो डाउन हो जाएगा, सर्कुलेशन भी स्लो डाउन हो जाएगा, सर्कुलेशन इज स्लो डाउन, स्लो डाउन। ठीक है, अब वीनस सर्कुलेशन स्लो डाउन हो गया है तो क्या होगा, ये एरिथ्रोसाइट में आता है, यहाँ पे क्या चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस बढ़ जाते हैं, और थ्रोम्बोसिस के चांसेस अगर बढ़ गए तो यहाँ पे क्या होता है, जो पार्शियली अगर ऑक्लूडेड थ्रोम्बोसिस होगा वो कंप्लीटली ऑक्लूजन में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीटली ऑक्लूड कर देगा। ठीक है, वेन्स को, और कंप्लीटली ऑक्लूजन हो जाएगा तो वहां पे चांसेस ज्यादा होंगे डिटेरियरेशन ऑफ विजन के। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना वेकिंग आवर्स में क्यों होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और हिस्ट्री ये पेशेंट या तो बताएगा या आपने ये पॉजिटिव हिस्ट्री लेनी है कि पेशेंट को ऑब्जेक्ट डिस्टॉर्टेड अपीयरेंस तो नहीं है ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, अगर डिस्टॉर्टेड अपीयरेंस है ऑब्जेक्ट्स की तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मेटामॉर्फोप्सिया, मेटामॉर्फोप्सिया, वेरी मैकुलर गुड, एडिमा, मेटामॉर्फोप्सिया है पेशेंट को। ठीक है, मेटामॉर्फोप्सिया है, इसका मतलब यह है पेशेंट को, दिस इज सजेस्टिव ऑफ, ये बताना है आपने, पेशेंट गिव द हिस्ट्री ऑफ डिस्टॉर्टेड अपीयरेंस ऑफ द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज सजेस्टिव ऑफ मेटामॉर्फोप्सिया, इसका मतलब ये है कि इट इज ऑल्सो सजेस्टिव ऑफ मैकुलर इडिमा, पेशेंट को मैकुलर इडिमा हो सकता है, तो ये बताना है आपने मुझे। ठीक है, उसके बाद देखो आगे हमने, ये तो हो गई पॉजिटिव हिस्ट्री, अब मुझे कोई बता सकता है नेगेटिव हिस्ट्री में क्या लेंगे, अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर सीआरएओ का पेशेंट है तो इसमें नेगेटिव हिस्ट्री क्या आनी चाहिए फ्लोटर्स, है? चलो ठीक है, सीआरएओ फ्लोटर्स से पहले इसमें अगर सीआरबीओ का पेशेंट है, अगर मान लिया सीआरबीओ का पेशेंट है तो यहाँ पे एक हिस्ट्री आपने और रूल आउट करनी है, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ
पेरिफेरल विजुअल लॉस, ये मैंने आप लोगों को बताया इस्चीमिक नॉन इस्चीमिक में डिफरेंशिएट करने के लिए होता है पेरिफेरल विजुअल फील्ड लॉस। अब ये दो चीज यहाँ पे बताएगा पेरिफेरल विजुअल फील्ड लॉस, एक तो हो सकता है इस्चीमिक सीआरवी हो, इस्चीमिक सी पार्शियली रिकवर्ड इस्चीमिक सीआरवी हो, और दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे, इट मे बी द कॉज ऑफ दी आरडी, आरडी में भी हो सकता है पेरिफेरी में अगर विजन लॉस बता रहा है तो वहां पे आरडी के केस में भी क्या होता है पेशेंट को टिपिकल कंप्लेन आती है क्या कि यहाँ पे ब्लैक फॉलिंग ऑफ ब्लैक कर्टन, फॉलिंग ऑफ ब्लैक कर्टन, ब्लैक कर्टन, ठीक है। तो ये आपसे वाइवा में पूछ सकता है कि हाँ आरडी का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, ये आपने नेगेटिव हिस्ट्री में लेने नेगेटिव में। अब हम बात करते हैं अगर सीआरबीओ का पेशेंट होता है तो वहां पे क्या हिस्ट्री देता है अमाउरोसिस फुगेक्स की, तो यहाँ पे आपने नेगेटिव हिस्ट्री लेनी है क्या, इज देर एनी हिस्ट्री ऑफ अमाउरोसिस फुगेक्स, देर इज नो हिस्ट्री ऑफ अमाउरोसिस फुगेक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि ये इसमें नहीं मिलेगा सीआरबीओ में, कई सारी बुक्स में आपको मिले दिखेगा, लेकिन सीआरएओ में ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू सीआरबी, सीआरएओ में ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू सीआरबी, ठीक है। कहीं कहीं सीआरबीओ में भी मिलता है लेकिन मोस्ट कॉमनली ये कई किस्म में मिलता है सीआरएओ, ठीक है। इसके बाद एक चीज और आप लोगों ने याद रखनी है कि यहाँ पे कोई फोटोप्सिया और फ्लोटर की हिस्ट्री तो नहीं है, यहाँ एक नेगेटिव हिस्ट्री क्या है, देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लोटर्स की हिस्ट्री विट्रियस हेमरेज, यहाँ भी एक कॉज हो सकता है, आरडी हो गया हमारे पास, ये हो गया सीआरए हो गया, सीआरबी हमने डिस्कस कर लिया पॉजिटिव हिस्ट्री क्या क्या होगी, अब विट्रियस हेमरेज को डिस्कस करते हैं इसको नेगेटिव हिस्ट्री में, क्या हम यहाँ पे देखेंगे नो नेगेटिव हिस्ट्री में, हम पेशेंट से पूछेंगे क्या फोटोप्सिया फ्लोटर की हिस्ट्री, वैसे तो पेशेंट बता देता है तुरंत ही, फिर भी हमें नेगेटिव हिस्ट्री में लिखना है नो हिस्ट्री ऑफ फोटोप्सिया फ्लोटर, फोटोप्सिया और फ्लोटर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फोटोप्सिया है ना ये सबसे पहले आता है इन आरडी के पेशेंट में, इन आरडी पेशेंट फोटोप्सिया कम्स फर्स्ट प्रायर टू द फ्लोटर, फोटोप्सिया पहले आता है देन द फ्लोटर, फोटोप्सिया कम्स प्रायर टू द फ्लोटर, प्रायर प्रायर टू फ्लोटर, ठीक है, फ्लोटर से पहले आता है फोटोप्सिया, यानी ये कह सकते हैं फोटोप्सिया मोर कॉमन है फ्लोटर के कंपैरिजन में, फ्लोटर के कंपैरिजन इन आरडी पेशेंट, और फ्लोटर ज्यादा कॉमन कहाँ है, इन विट्रियस हेमरेज, विट्रियस हेमरेज में फ्लोटर ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू द आरडी, आरडी के पेशेंट में। तो ये आपने नेगेटिव हिस्ट्री यहाँ पे लेनी है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जितना भी मैंने बताया आरडी हो सकता है तुम्हारा सीआरबीओ, सीआरएओ, सीआरबीओ, या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है विट्रियस हेमरेज, इट इज ऑल्सो सीन इन द ट्रोमा, तो ट्रॉमा की हिस्ट्री लेनी है आपने, नहीं भूलनी है, ठीक है। तो पेशेंट से पूछना इज देयर एनी हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, तो अगर नहीं है तो नेगेटिव में लिखना है आपने देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, ये आप लोग नहीं लेते हैं, आप लोग क्या करते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस लिखने के बाद एग्जाम में के लिए नो अदर सिग्निफिकेंट हिस्ट्री प्रेजेंट, नो अदर सिग्निफिकेंट हिस्ट्री प्रेजेंट, फिर वहां से वाइवा शुरू हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। क्या वाइवा शुरू हो जाता है और कौन कौन सी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री आपने लेनी है, तो ये सब रूल आउट करना है आपने सिग्निफिकेंट हिस्ट्री। इज इट क्लियर अप टू दिस, इज इट क्लियर, क्लियर यस है सर, इसके बाद, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ पे हमें समझ आ गया कि हाँ ये आरडी नहीं है, हमें समझ आ गया, अभी तक डायग्नोसिस नहीं बताना है आपने, हमें समझ आ गया सीआरएओ नहीं है, ये आरडी नहीं है, ये विट्रस हेमरेज नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास ये है। अब इसमें अभी मैंने बताया ये आपके दिमाग में ये आपने सोच लिया कि हाँ मोर चांसेस इसके सीआरबीओ के, अब यहाँ पे आपने क्या करना है इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से, तो वो रिस्क फैक्टर आपने रूल आउट करने हैं। यहाँ पे आपने क्या करना होता है, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में हम क्या करते हैं, जो भी डिफरेंशियल्स रहते हैं ना उसको रूल आउट करते हैं, हेयर यू हैव टू रूल आउट डिफरेंट डीडीज, जो डिफरेंट डीडीज होते हैं उसको आपने नेगेटिव हिस्ट्री लेके पॉजिटिव हिस्ट्री लेके वो रूल आउट करना होता है। अब आपने एक बार रूल आउट कर लिया कि नहीं नहीं ये तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये लग रहा है, जो भी आपको लग रहा है वेस्कुलर ऑक्लूजन लग रहा है, ठीक है, अब वो वेस्कुलर सीआरबीओ बीआरबी हो सकता है, सीआरबीओ में भी इस्चीमिक नॉन इस्चीमिक हो सकता है, लेकिन अब हमने क्या करना है नेक्स्ट चलना है पास हिस्ट्री में, ठीक है। पास हिस्ट्री हम किस लिए लेते हैं, पास और जितनी भी हिस्ट्री है ना पास हिस्ट्री के बाद हम मेनली ये हिस्ट्री लेते हैं ताकि अगर कोई रिस्क फैक्टर है चाहे ओकुलर हो चाहे सिस्टमिक हो वो रिस्क फैक्टर को हम यहाँ पे रूल आउट करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे रिस्क फैक्टर को रूल आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट ने खुद ही बता दिया बीपी की हिस्ट्री है, ठीक है, पेशेंट इज हाइपरटेंसिव सिंस फोर पास 4 ईयर्स,
ठीक है, तो अभी हमें कॉज रूल आउट करने हैं, तो अब आप लोग बताएंगे कि क्या क्या नेगेटिव हिस्ट्री ले सकते हैं पास्ट इलनेस में। व्हाट आर द अदर नेगेटिव हिस्ट्री यू कैन टेक इन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस? कैन एनीबडी एक्सप्लेन? डायबिटीज की हिस्ट्री लेंगे, ठीक डायबिटीज, है, नो हिस्ट्री स्मोकिंग, ऑफ डायबिटीज, चलो ठीक है। उसके बाद देखो एक चीज और याद रखना है, पेशेंट को कभी कभी अदर आई में होता है सीआरवीओ, वो रिजॉल्व हो जाता है, फिर दूसरी आई में भी इफेक्ट आता है, तो हमें ये सबसे पहले पूछना बहुत जरूरी है कि सिमिलर एपिसोड आया सेम आई में पहले या नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम मान के चलते हैं देर इज नो हिस्ट्री ऑफ सिमिलर एपिसोड, सिमिलर ये लिखना है आपने बाकायदा एग्जाम में पास्ट इलनेस में लिखना है, देर इज नो सिमिलर एपिसोड ऑफ, सिमिलर एपिसोड ऑफ, सिमिलर एपिसोड इन द पास्ट, ठीक है, सेम आई में, इन दी सेम और अदर, इन दी सेम और अदर, ठीक है। ये अब क्यों पूछ रहे हैं ये हिस्ट्री, इसका भी सिग्निफिकेंस है, एग्जामिनर पूछेगा आपसे क्या सिग्निफिकेंस है इसका, इसमें क्या होता है 7% चांसेस रहते हैं रिकरेंस के, ठीक है, फेलो आई में 7% चांसेस हैं रिकरेंस के, ठीक है, 7% चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सीआरवीओ इन दी फेलो, फेलो आई में डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं 7% इन 5 ईयर्स, ये भी पूछा जाता है आपसे कितने ईयर्स में, 5 ईयर्स में 7% चांसेस हैं दोबारा से सीआरवीओ दूसरी फेलो आई में होने, ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद किसी ने बताया था रिस्क फैक्टर एक और होता है ग्लोकोमा, तो यहाँ पे पेशेंट को पता रहता है उसे ग्लोकोमा है या नहीं अगर पहले डायग्नोस हुआ है, तो देर इज नो हिस्ट्री, इस पेशेंट में ग्लोकोमा नहीं है, देर इज नो हिस्ट्री ऑफ ग्लोकोमा, तो ये नेगेटिव हिस्ट्री में देखो ये आप लोग रिलेट कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को रिस्क फैक्टर बताए थे उनसे ही आपने रिलेट करते जाना, सोचते जाना, तो ग्लोकोमा की हिस्ट्री नहीं है। अब यहाँ पे आपसे वाइवा में पूछेगा कि ग्लोकोमा की हिस्ट्री लेनी क्यों जरूरी है, तो आपने बताना है इट इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर द सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन और ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन, ये भी एक रिस्क फैक्टर में आता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या मैंने बताया था, और क्या हिस्ट्री लेनी जरूरी है, हाइपर अदर्स में हमारा ये था ग्लोकोमा, ऑकुलर में हमारा ग्लोकोमा था और हाइपरमेट्रोपिया था, तो और किस और क्या हिस्ट्री लेंगे हाइपरमेट्रोपिया के लिए? ग्लासेज हाँ प्लस ग्लासेस तो नहीं लगा रहा है, तो यहाँ पे आपने पूछने हैं कि ग्लासेस यूज करते हो नहीं, तो यहाँ पे देर इज नो नेगेटिव हिस्ट्री हम ले रहे हैं, यहाँ पे केवल पॉजिटिव हिस्ट्री मैंने यहाँ लिखी हुई है, नेगेटिव हिस्ट्री हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, देर इज नो हिस्ट्री ऑफ यूजिंग, देर इज नो हिस्ट्री ऑफ यूजिंग थिक प्लस ग्लासेस, थिक प्लस ग्लासेस, प्लस ग्लासेस, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नेगेटिव हिस्ट्री, देखो जितनी भी नेगेटिव हिस्ट्री मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को एकदम रिलेट होगा जो भी मैं रिस्क फैक्टर आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और हिस्ट्री मैं लिख रहा हूँ, देर इज नो हिस्ट्री ऑफ हेडेक, हेडेक और पेरी ओकुलर पेन, पेरी ओकुलर पेन, ये मुझे बता सकता है कोई, ये किसको रूल आउट करने के लिए, पेरी ओकुलर पेन किस में सीआरएओ है, को, सीआरएओ इंफ्लेमेटरी किसको रूल आउट करेंगे, सीआरएओ हेडेक और पेरी ओकुलर, हैं सीआरएओ में हेडेक और पेरी ओकुलर पेन होता है? इन्फ्लामेटरी कॉज लाइक आर्टिकुलेटिस, वैस्कुलाइटिस, हाँ ए आई ओ एन को रूल आउट करेंगे ना, यहाँ पे ए आई ओ एन में होता है ना पेरी ओकुलर पेन, आप लोगों ने पढ़ा हो ए आई ओ एन, तो वहां पे क्या होती है, वहां पे इडिमा होता है, किसका, डिस्क में इडिमा होता है, जिसकी वजह से वहां पे ओक्लूजन हो सकता है, सेंट्रल रेटिनल वेन और ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन मोस्ट कॉमन रहता है क्योंकि डिस्क में वहां पे इडिमा होता है, इस्चिमिया की वजह से, इडिमा की वजह से वहां पे ओक्लूजन हो सकता है, तो ये हिस्ट्री उसको रूल आउट करेगी ए आई ओ एन एन ए आई ओ एन है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हिस्ट्री ले सकते हैं, टीबी की हिस्ट्री ले सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस और पल्मोनरी डिजीज, पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। अब ये क्यों ले रहे हैं, तो ये तो हमने पढ़ा था रिस्क फैक्टर में टीबी पल्मोनरी डिजीज में हो सकता है, और कोई पल्मोनरी पेशेंट से, देखो ये पेशेंट नहीं बताता है सांस लेने में दिक्कत है, डिस्निया है या नहीं है, हमें उससे रूल आउट करना है, या कोई इससे रिलेटेड पल्मोनरी डिजीज से रिलेटेड कोई मेडिकेशन तो नहीं चल रही है, तो यहाँ पे पेशेंट को मैंने बताया था आप लोगों सार्कोइडोसिस में भी पल्मोनरी फाइंडिंग आती है, सार्कोइडोसिस में भी और वेजिनर ग्रेनुलोमेटोसिस में भी पल्मोनरी फाइंडिंग आती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हिस्ट्री ले सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे, रिस्क फैक्टर जो मैंने आप लोगों को बताए थे उससे कुछ और छूटा है हमारा रिस्क फैक्टर में, हमारे पास ग्लोकोमा हो गया, हमने ये क्राउडेड डिस्क के लिए ये देख रीनल लिया है, और कुछ बच, डिसीज, वेरी गुड, रीनल डिसीज की हिस्ट्री ले सकते हैं, नो हिस्ट्री ऑफ रीनल डिसीज, हिस्ट्री ऑफ रीनल डिसीज, और कोई हिस्ट्री कोई बता सकता है, और कोई हिस्ट्री, स्किन स्मोकिंग, से, डिहाइड्रेशन का सर,
वेरी गुड, डिहाइड्रेशन की आप हिस्ट्री ले सकते हैं, तो डिहाइड्रेशन की हिस्ट्री, नो हिस्ट्री ऑफ डिहाइड्रेशन, लेकिन यहाँ पे डिहाइड्रेशन की पर्सनल में आएगी, पर्सनल हिस्ट्री आएगी, पर्सनल। यहाँ पे बताओ और कुछ स्किन से रिलेटेड डिजीज है हमारे पास रिस्क फैक्टर सीआरवीओ का? इज देर एनी डिजीज रिलेटेड टू स्किन? लुपस सर, नहीं है ऐसी कोई डिजीज। बेचेट डिजीज है, दिख सकती है आपको, बेचेट डिजीज में मिल सकता है सीआरवीओ, हाँ या ना? यस सर, यस। और बेचेट, बेचेट डिजीज में आपको स्किन में फाइंडिंग मिल सकती है, यस सर, हाँ। तो वहां पे आपने पूछना है जो ओरल और जेनाइटल अल्सरेशन मिलता है स्किन डिजीज में, तो यहाँ पे देखो यही होता है। देखो कोई भी कहीं से भी आप केस हिस्ट्री पढ़ लो, कोई भी केस हिस्ट्री ये नहीं बोल सकता नहीं ये परफेक्ट है, लेकिन आपने जितने भी रिस्क फैक्टर हैं उन सबको आपने रूल आउट कर दिया, तो आपकी अपने हिसाब से वो केस हिस्ट्री परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है? आपने अगर आपने कुछ भी लिखा है ना अपनी केस हिस्ट्री में, केस प्रेजेंटेशन में, उसको अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं ना, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, नहीं, इसने जो लिखा है एकदम जस्टिफाइबल है। तो स्किन डिजीज में एग्जामिनर यहाँ पूछेगा क्यों ये लिखा है स्किन डिजीज, तो आप बता सकते हैं कि सार्कोइडोसिस में कुछ मिलता है स्किन डिजीज में? सार्कोइडोसिस में मिलता है कुछ? यस सर, यस इरिदमा, इरिदमा नोडोसम मिलता है? इरिदमा सर, नोडोसम, तो वो स्किन डिजीज में आ जाएगा। बेचेट डिजीज, बेचेट डिजीज भी होती है इसका रिस्क फैक्टर है बेचेट डिजीज, उसमें क्या मिलता है? जेनाइटल और ओरल अल्सरेशन मिलता है, जेनाइटल और ओरल अल्सरेशन मिलता है। इसके अलावा स्किन डिजीज के अलावा और कोई वेनेरियल डिजीज अगर है उसकी भी हिस्ट्री लेनी है, ठीक है? तो हालांकि पेशेंट नहीं देता है कभी कभी, तो वो इन्वेस्टिगेशन में हम कराते हैं। तो कौन सी वेनेरियल डिजीज को ये है रिस्क फैक्टर है इसका सीआरवीओ का? एचआईवी सिफिलिस। और सिफिलिस, ठीक है? तो ये आपने यहाँ पे रूल आउट करनी है। और कोई हिस्ट्री बता सकते हो? रीनल डिसीज हो गया, स्किन डिसीज हो गया, इसके अलावा पास्ट कोई ऑकुलर सर्जरी, लास्ट है पास्ट कोई ऑकुलर सर्जरी तो नहीं हुई है? अब ऑकुलर सर्जरी में क्या क्यों है, क्यों हिस्ट्री लेनी जरूरी है? क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर कॉज एक्स्ट्रा ऑकुलर है, तो जब आप ब्लॉक लगाते हैं ऑकुलर सर्जरी में, तो वो हो सकता है वो ब्लॉक इसको क्या कर दे, आउटसाइड से ये जो वेन है उसको आउटसाइड से कंप्रेस कर दे, तो वहां पे सीआरवी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी प्रीवियस ऑकुलर या कार्डियोवास्कुलर सर्जरी हुई है या नहीं हुई है उसकी भी हिस्ट्री लेनी है, तो इस पेशेंट में नहीं है। नो हिस्ट्री ऑफ एनी ऑकुलर और कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, ठीक है? और कार्डियोवास्कुलर में क्यों यहाँ पे ले रहा हूँ, सर्जरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म यहाँ भी हो सकता है कार्डियोवास्कुलर सर्जरी में भी। और ऑकुलर सर्जरी की हिस्ट्री क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्लॉक रिट्रो बल्बर ब्लॉक लगा रहे हैं, रिट्रो बल्बर ब्लॉक लगा रहे हैं, तो वो भी एक कॉज करा सकता है किसका, सीआरवी होगा, सीआरवी, ठीक है? इसके अलावा हम इंट्राविट्रियल और भी कुछ देते हैं, इंट्राविट्रियल इंजेक्शन देते हैं हम यहाँ पे, उसमें भी आप साइड इफेक्ट में पढ़ेंगे कि वहां पे सीआरवी हो सकता है, सीआरवी हो सकता है, ठीक है? वहां भी कंप्रेशन करा सकता है इंट्राविट्रियल इंजेक्शन लगाने के बाद, तो वहां भी कॉज हो सकता है उसका एक सीआरवी, ठीक है? तो बस आपने देखो यहाँ पे मैंने जो बताया आप लोगों को, आपने बस यही बताना है कि नो हिस्ट्री ऑफ एनी ओकुलर कार्डियोवास्कुलर सर्जरी। इसके बाद एग्जामिनर आपसे वायवा पूछेगा कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है ऑकुलर और कार्डियोवास्कुलर सर्जरी का, तब आपने बताना है कार्डियोवास्कुलर सर्जरी होगी, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, वो ओक्लूजन कराएगा। ऑकुलर सर्जरी में अगर कोई इंट्राविट्रल इंजेक्शन लगाए हैं तो उसमें हो सकता है, या फिर अगर कोई पेरी ओकुलर इंजेक्शन लगाया है, रिट्रो ऑर्बिटल लगाया है, तो वहां पे कंप्रेशन कर सकता है। तो ये सारी हिस्ट्री आपने लेनी है, ये कहाँ से ड्राइव हुई है? दे आर ड्राइव फ्रॉम द रिस्क फैक्टर ओनली। आपने आपको रिस्क फैक्टर पता है तो आप इजिली इसको लिख सकते हैं, आपको रिस्क फैक्टर नहीं पता है तो नहीं लिख पाओगे। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर अप टू दिस और नोट? यस यस। सर, अब आगे आ जाते हैं फैमिली हिस्ट्री में। तो मैंने, आप क्या करते हैं एग्जाम जब केस प्रेजेंटेशन करते हैं तब लिखते हैं देर इज नो रिलीवेंट फैमिली हिस्ट्री, यहीं पे एग्जाम्पल बायो में पूछ देता है आपसे कि रिलीवेंट बताओ क्या क्या हो सकती है सीआरबीओ से रिलेटेड, रिलीवेंट बता सकता है मुझे कोई फैमिली हिस्ट्री क्या हो सकती है? ग्लूकोमा ग्लाकोमा, ग्लाकोमा, हो सकता है, हाँ। कोगुलोपैथी, मेनली जो रिलीवेंट रहेगा इससे रिलेटेड दैट इज द थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर। मेनली इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर फैमिली में रन करते हैं, दिखता है थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर, थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर, ठीक है? और कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग क्लॉटिंग डिसऑर्डर जो है वो फैमिली में रन करते हैं, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग और क्लॉटिंग डिसऑर्डर जो है वो फैमिली में रन करते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या क्या आते हैं ये हम देख ही चुके हैं, हाइपर होमोसिस्टिनीमिया हो सकता है, हो सकता है सिकल सेल एनीमिया उसमें भी हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसीज है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, ये भी ये सारे के सारे फैमिली में रन करते हैं। तो ये आप लोगों ने वाइवा के लिए तैयार करके, ठीक
ठीक है, अगर आपने ये बोलना है एग्जाम में तो इसको भी आपने वाइवा के लिए तैयार कर दिया। ठीक है, ये हो गई फैमिली हिस्ट्री। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनल हिस्ट्री। तो पर्सनल हिस्ट्री में आप क्या पूछेंगे? पर्सनल हिस्ट्री में, यहाँ पे पर्सनल हिस्ट्री में आपने लिख दिया नो रिलीवेंट पर्सनल हिस्ट्री, ये केस प्रेजेंटेशन में आपने लिखा। अब फिर से वाइवा में यही आएगा, एग्जामिनर पूछ देगा आपसे कि क्या रिलीवेंट हो सकता है पर्सनल हिस्ट्री से रिलेटेड, तो मुझे बता सकता है कोई रिस्क फैक्टर में ऐसा कुछ है जो पर्सनल हिस्ट्री से रिलेटेड हो? सर, स्मोकिंग की हिस्ट्री, वेरी ओसीडी गुड, की वेरी गुड। हिस्ट्री। ये पेशेंट में स्मोकिंग की हिस्ट्री है या नहीं है, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, उसके अलावा और कुछ? सर फीमेल पेशेंट है तो ओसीपी की हिस्ट्री ले वेरी लेंगे। गुड, अगर फीमेल पेशेंट है तो वहां पे प्रेगनेंसी की हिस्ट्री लेंगे, प्रेगनेंसी की हिस्ट्री लेंगे, प्रेगनेंसी की हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम एक, किसी ने बोला था डायरिया डिहाइड्रेशन की हिस्ट्री। ठीक है, डिहाइड्रेशन हाँ, तो डिहाइड्रेशन की हिस्ट्री, डायरिया और डिहाइड्रेशन दोनों एक साथ पूछो। डिहाइड्रेशन नहीं पता होता है किसी किसी पेशेंट को, लेकिन आप डायरिया डिहाइड्रेशन बोलोगे तो वहां पे समझ आ जाता है उसको कि इसकी हिस्ट्री है या नहीं है। तो इस पेशेंट में नहीं है, नो हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, नो हिस्ट्री ऑफ दिस, नो हिस्ट्री ऑफ दिस। ठीक है, ये आपने याद रखना। अब लास्ट में आपने ये रिस्क फैक्टर आपको यहाँ पे पता चल गया, लास्ट में है ड्रग हिस्ट्री लेना है। ड्रग हिस्ट्री में कोई रिस्क फैक्टर निकल सकता है हमारे रिस्क फैक्टर से रिलेटेड, जो हमने रिस्क फैक्टर पढ़े थे उससे रिलेटेड कोई रिस्क यहाँ पे आ सकता है ड्रग हिस्ट्री में? आपने तो ये लिख दिया एग्जाम में, अब एग्जामिनर पूछेगा क्या इसकी रिलीवेंट हिस्ट्री क्या हो सकती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। वेरी गुड, एक तो आ जाएगा अगर फीमेल है, यहाँ तो ये मेल है तो ये नहीं बताना है। अगर मेल आपका पेशेंट है तो वहां पे नहीं बताना है आपने, अगर फीमेल है तो बोलना है आपने कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, हिस्ट्री है या नहीं है वहां पे चेक करना है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, इसके अलावा और कोई हिस्ट्री ले सकते हो रिस्क फैक्टर से रिलेटेड? इज देयर एनी हिस्ट्री? रीनल ड्रग्स एंटी ग्लोकोमा मेडिकेशन को यूज तो नहीं कर रहा है वो? एंटी ग्लोकोमा मेडिकेशन यूज करेगा तब तो उसे नहीं होगा ना, आईओपी ज्यादा होगा उस केस में होगा। यस सर। इसके अलावा जो रीनल से रिलेटेड है, जो डिहाइड्रेशन से रिलेटेड है, डायूरेटिक्स, हिस्ट्री ऑफ डायूरेटिक्स ले सकते हैं, डायूरेटिक इंटेक। इससे क्या होता है, डायूरेटिक इंटेक से भी यहाँ पे कॉज, ये कॉज करा सकता है क्या सीआरबीओ, या क्यों कराता है ये? क्योंकि डायूरेटिक क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन कराते हैं, तो वहां पे डिहाइड्रेशन के डिहाइड्रेशन कॉज कराते, डिहाइड्रेशन कॉज कराते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड अल्कोहल इंटेक का भी आप पर्सनल हिस्ट्री में लिख सकते हैं, क्योंकि वहां भी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो भी एक्ट एज ए दैट इज ऑल्सो एक्ट एज ए डायूरेटिक्स। तो यहाँ आप अल्कोहल की हिस्ट्री भी लिख सकते हैं, अल्कोहल की। देखो जो भी आप लिख रहे हैं ना वो जस्टिफाइबल अगर है आपके रिस्क फैक्टर से तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर बस पूछेगा क्यों लिखा है, आपको अगर जस्टिफाई करना आता है इसलिए लिखा है तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैक्सीनेशन की हिस्ट्री लेनी बहुत जरूरी है। कोविड-19 आया है तब से वैक्सीनेशन के क्या क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं, ये लगभग हर एग्जामिनर पूछता ही है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन में भी, कोविड में भी, हालांकि प्रूवन नहीं है कि वो सीआरबीओ कराता है, नहीं, कुछ कुछ पेशेंट में देखा गया है, लेकिन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है दैट इज ऑल्सो कॉजेज द सीआरबीओ, तो वहां पे उस वैक्सीनेशन की हिस्ट्री लेनी है। नो हिस्ट्री ऑफ एनी वैक्सीनेशन रिसेंटली, रिसेंटली अब बचपन में तो होता रहता है लेकिन अभी कोई वैक्सीनेशन की हिस्ट्री नहीं है अगर, तो फिर वहां पे हमें उसे रूल आउट करना है या नहीं है, ये हमने रूल आउट करना है। तो ये हमारे ओवरऑल हिस्ट्री हो गए, जिसमें हमने अपने डीडी को रूल आउट कर लिया, हमने रिस्क फैक्टर को रूल आउट कर लिया कि ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं ऐसे पेशेंट में, फिर फाइनली हमने जो टेस्ट कराने हैं, इन्वेस्टिगेशन कराने हैं, तो उसी रिस्क फैक्टर से रिलेटेड मोस्टली हमें कराने हैं, सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन नहीं कराने होते हर पेशेंट में। जो आपने ये जो देखो इसका सिग्निफिकेंस आपको जब पता चलेगा ना हिस्ट्री टेकिंग का, तो आपको अच्छा लगेगा और हिस्ट्री लेने में मजा भी आएगा कि हिस्ट्री हम क्या करते हैं, जो पेशेंट से पूछते हैं ना जितनी भी हिस्ट्री लेते हैं हम, बस उसमें रिस्क फैक्टर को रूल आउट करते हैं। उसको रिस्क फैक्टर में मान लिया स्किन डिसीज है, तो स्किन डिसीज से रिलेटेड हमारे पास जो भी कॉजेज आ सकते हैं, जो भी रिस्क फैक्टर आ सकते हैं, हमने बस वो कराना है उसके इसमें इन्वेस्टिगेशन में, ज्यादा पेशेंट पेशेंट का भी पैसा खर्च नहीं कराना है, और कम ही इन्वेस्टिगेशन में अगर आपने डायग्नोसिस बना दिया तो पेशेंट खुश हो जाता है कि हाँ ये डॉक्टर अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, सारी इन्वेस्टिगेशन कराता है, पैसा खर्चा ज्यादा कराता है। ठीक है, तो इसीलिए हिस्ट्री का इतना रोल है हमारे जो मेडिकल फील्ड है उसमें। इज इट क्लियर अप टू दिस? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? इज देयर एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गई हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट, अब हम चलते हैं एग्जामिनेशन वाले पार्ट।
तो देखो जनरल एग्जामिनेशन में तो जो हमने देखा कि हमको लग रहा है कि कुछ रिस्क फैक्टर है, सिस्टमिक कुछ रिस्क फैक्टर है एग्जामिनेशन में, पहले जनरल एग्जामिनेशन करते हैं फिर ऑकुलर एग्जामिनेशन करते हैं। तो अगर इसमें मेनली जनरल एग्जामिनेशन में हमें फोकस करना है, अगर कोई सिस्टमिक रिस्क फैक्टर है पेशेंट को, तो वहां पे हमें ज्यादा फोकस करना होता है। यहाँ पे इट इज एम्ड एट रूलिंग आउट द सिस्टमिक रिस्क फैक्टर। अगर कोई कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर है तो वहां पे उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करनी है, एग्जामिनेशन अच्छे से करना है, ठीक है। हालांकि आप लोगों से ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता ये जनरल एग्जामिनेशन, आपने लेकिन बताना है एग्जाम में, आपने ऐसे नहीं छोड़ना, थोड़ा बहुत आपने बताना। पल्स बीपी वगैरह तो आप ले सकते हैं ना, तो वो आपने लिखना है, पल्स हो गया, बीपी हो गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत सीएनएस का स्टेटस आप बता सकते हैं, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि अगर वेन ओक्लूजन या वेस्कुलर ओक्लूजन आई में हुआ है तो ब्रेन में वो थ्रोम्बस नहीं जा सकता है, ब्रेन में भी वो जा सकता है वो थ्रोम्बस, हार्ट में भी वो थ्रोम्बस जा सकता है। तो वहां पे लेकिन उनके फीचर्स अलग अलग होंगे, जैसे ब्रेन में अगर जाएगा तो आपके लेवल पे जो जितना है एग्जामिनेशन ब्रेन से रिलेटेड क्रेनियल नर्व, जितनी आप पढ़ते हैं बस उतनी करेंगे आप, बाकी यहाँ पे जनरल एग्जामिनेशन में लिख देना पेशेंट इज कॉन्सियस ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, बस इतना बता देना, ज्यादा डिटेल में एग्जामिनर खुद ही नहीं पूछता है आपसे, ठीक है। बस लेकिन आपने इसको इंक्लूड करना है। इसके बाद सीवीएस, सीवीएस में तो कोई कार्डियोवास्कुलर उसको प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर है तो वहां पे लिख देना है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। उसके बाद सीएनएस इज रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें डिस्निया वगैरह की कोई हिस्ट्री है या नहीं है, बस हम इसमें टीबी को रूल आउट करते हैं, सार्कोइडोसिस को रूल आउट करते हैं और वेजिनर ग्रैनुलोमेटोसिस को रूल आउट करते हैं, सार्कोइडोसिस को, टीबी को और इसको, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज को हम यहाँ पे रूल आउट करते हैं, इसमें ब्रेन में कोई थ्रोम्बस अगर जाता है तो वहां पे पेशेंट को, ब्रेन में अगर स्ट्रोक अगर होता है तो वहां पे पेशेंट का कॉन्शियस ओरिएंटेड नहीं रहता। बीपी पल्स, ये बस ब्रॉडली आपने इसको तैयार करना है, इसको डिटेल में ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसके बेसिस पे कोई एग्जामिनर फेल नहीं करता, ठीक है। मेनली जो फेल करते हैं वो ओकुलर एग्जामिनेशन पे करते हैं, ठीक है। तो ओकुलर एग्जामिनेशन आपने डिटेल में करना है, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना। अब ऑकुलर एग्जामिनेशन में देखो शुरुआत से ही हम लेके चलेंगे कौन सा इस्टीमिक है कौन सा नॉन इस्टीमिक है, किसका सिग्निफिकेंस कहाँ पे है और कहाँ पे हम क्या मिस करते हैं, मैंने पहली स्लाइड में आप लोगों को बताया था, अब वो एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो एग्जामिनेशन है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से सुनना है, एक भी पॉइंट आप लोगों ने मिस नहीं करना है अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, विजुअल एक्विटी करेंगे, तो विजुअल एक्विटी इस पेशेंट में आ रही है 6/24, ये 6/24 पार्सल, ठीक है। अब ये अधिकतर 6/24 इस्चीमिक आएगा नॉन इस्चीमिक आएगा, नॉन इश्यू नॉन नॉन इस्चीमिक, इसके ठीक है। अगर इस्चीमिक होता है यहाँ पे पेशेंट तो लेस देन 6/60 आता है। अब देखो यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है 20/200 लिखा रहता है एग्जाम, अब इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, हमेशा एक थंब रूल याद रख लेना, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है आपने, तो 60/600 हो जाएगा कोई भी वैल्यू। ये तो मैंने एक जनरल सी वैल्यू दी है, आपको कोई भी वैल्यू 20/200 में दी है तो आप 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया और इसको इससे कट कर देंगे, 6/60 आ जाएगा। कोई भी वैल्यू हो इस फॉर्म में, ये फॉरेन में अधिकतर यूज होता है, ठीक है। बस इसमें आपने 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना, 3 से नीचे मल्टीप्लाई करना, तो आपकी 6 के लेवल पे, 6/60 के लेवल पे, या जो स्नेलियंस एक्विटी होती है उसके लेवल पे आ जाएगी विजुअल एक्विटी, ठीक है। इसके बाद आईलिड में आप क्या चेक करेंगे यहाँ पे, अगर देखो एक चीज और मैं इम्पोर्टेंट आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को सिग्निफिकेंस पता है आपने इंक्लूड वही पॉइंट करना है। देखो अननेसेसरी स्टूडेंट शुरू हो जाते हैं, हाँ आईब्रो नॉर्मल, फिर एग्जामिनर भी शुरू हो जाते हैं, आईब्रो में आपको क्या मिल सकता है, सीआरवीओ में आईब्रो में आपको क्या मिल सकता है ऐसा जिसमें पेशेंट को सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन हो, तो जहां पे आप नहीं बता सकते उसका जस्टिफिकेशन नहीं है आपके पास, वहां से आपने शुरू ही नहीं करना है, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आप लोगों के लिए, ठीक है। कि आपको अगर पता नहीं है कि आईब्रो में क्या मिल सकता है इसमें, तो आपने बताना ही नहीं है, आपने शुरू करना आईलिड से। अब आईलिड को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आईलिड यहाँ पे तो नॉर्मल है, तो एग्जामिनर का वाइवा का क्वेश्चन होगा कि और क्या मिल सकता है आईलिड में, इडिमा मिल सकता है क्या, इडिमा अगर मिल रहा है तो किस केस में मिलेगा बताओ, इडिमा अगर मिल रहा है आईलिड में किस केस में मिलेगा, एनीमोशन रीनल कॉज अगर है, रीनल अगर डिजीज है या फिर हार्ट डिजीज है, रीनल डिजीज है या फिर हार्ट डिजीज है, उस केस में इडिमा मिल सकता है, ठीक है। और ये दोनों कॉज करा सकते हैं सीआरवीओ, ठीक है। इसके अलावा हेमरेज भी मिल सकता है, अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो लिड में हेमरेज मिल सकता है, ब्लीडिंग या क्लॉटिंग डिसऑर्डर है तो हेमरेज में मिल सकता है,
ठीक है, ब्लीडिंग और क्लॉटिंग अगर डिसऑर्डर है तो उस केस में हेमरेज भी मिल सकता है लीड में। तो एक दो पॉइंट अगर आपको पता है तो आप बता दो, हाँ लीड इज नॉर्मल। एग्जामिनर अगर पूछता भी है तो आपके पास बैक सपोर्ट है कि आप ये बोलेंगे। उसके बाद कंजक्टिवा में भी सेम वही है, मल्टीपल हेमरेज मिल सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल हेमरेज मिल सकते हैं किस केस में, ब्लीडिंग या क्लॉटिंग, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में। और ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हमने देखा था दिस इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर द सीआर, रिस्क फैक्टर ये रेटिनल वेस्कुलर ऑक्लूजन। उसके बाद कॉर्निया में क्या मिल सकता है मुझे बता, कॉर्निया यहाँ पे हमने लिखा है और लिखेंगे भी इसमें, ऐसे नहीं है छोड़ देंगे, कॉर्निया में कुछ मिल सकता है, यहाँ तो नॉर्मल इडिमा है। इडिमा किस केस में मिलेगा कॉर्निया? सर, एनवीजी में वेरी गुड, एनवीजी में इडिमा मिल सकता है, ठीक है। और कॉर्निया में अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे कॉर्निया में, यहाँ तो नॉर्मल है, और क्या मिल सकता है कॉर्निया में? पेरिफेरल, वेरी थेरेपिस्ट। गुड, पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस। अब यहाँ ध्यान देना, अगर आप ओपीडी में कभी पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस का पेशेंट देखते हैं तो आपके दिमाग में कभी आता है कि नहीं इसका फंडस चेक करते हैं, क्या पता फंडस में सीआरवीओ मिले? नहीं, कभी दिमाग ध्यान देते हैं, यही आपने सोचने की प्रैक्टिस करनी है। अब आपको एग्जाम में मान लिया पेशे केस दिया गया पीयूके का, पीयूके का केस दिया गया आपको, केस प्रेजेंटेशन दिया गया, अगर आपने उसका फंडस नहीं किया, फंडस में वहां पे क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है वो आपसे एग्जामिनर वाइवा पूछेगा कि पीयूके में फंडस यहाँ तो नॉर्मल आप बता रहे हैं, कुछ मिल सकता है यहाँ पे या नहीं मिल सकता फंडस? तो आपने तुरंत वहां बोलना है कि पीयूके पेशेंट में सीआरवीओ मिल सकता है। अब क्यों मिलता है सीआरवीओ पीयूके के पेशेंट में? क्योंकि ऑटो इम्यून ये भी है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ये भी हो सकता है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ये भी हो सकता है, पीयूके भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था आप लोगों को सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस है, उसमें भी मिल सकता है पीयूके, पेन आर्थराइटिस नोडोसा में भी मिल सकता है, और रूमेटोइड आर्थराइटिस में मिल सकता है, और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में थ्रोम्बो एम्बोलिक प्रॉब्लम होके सीआरवी भी हो सकता है। तो अपने दिमाग में ये पिक्चर आपने क्लियर रखनी है कि कॉर्निया में अगर कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, तो वो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम जो है वो रेटिना में भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, रेटिना में भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, और वहां पे क्या कराएगी, वो ऑटो इम्यून ऑक्लूजन करा सकती है वेन्स का, ठीक है, वेन्स का ऑक्लूजन करा सकती है। इज इट क्लियर? तो ये आप लोगों ने याद रखना है। एंटीरियर चैम्बर देखो, यहाँ पे मैं ये रब कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। एंटीरियर चैम्बर में अधिकतर एंटीरियर चैम्बर जो रहता है इसमें तो नॉर्मल है, नॉर्मल डेप्थ है, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछेगा वैम में क्या मिल सकता है एंटीरियर चैम्बर में, कुछ मिल सकता है पेशेंट में, सीआरपीओ के पेशेंट में? सैलो, शैलो वेरी गुड, एंटीरियर सैलो किस केस में मिलेगा? इन केस ऑफ चैम्बर एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो, और ये एंगल क्लोजर ग्लोकोमा कैन ऑल्सो कॉज दी, हमारा रिस्क फैक्टर आता है सीआरवीओ के लिए, वेस्कुलर ओक्लूजन, वेन ओक्लूजन के लिए एक रिस्क फैक्टर आता है, ठीक है। या फिर हो सकता है सेलो, हमारा एक्सियल लेंथ अगर शॉर्ट हो तो उसमें भी सेलो मिलता है, तो वहां पे क्राउडेड डिस्क होगी, उसकी वजह से सीआरवीओ, क्राउडेड डिस्क की वजह से हो सकता है सीआरवीओ, ठीक है। उसके बाद सेल्स एंड फ्लेयर भी मिल सकता है, जैसे मैंने ऑटो इम्यून डिसीज यहाँ पे बताई, तो ऑटो इम्यून डिसीज इन्फ्लेमेशन अगर एनटीए सेगमेंट में कराता है तो वहां पे एनटीए सेगमेंट में भी आपको सेल्स एंड फ्लेयर मिल सकता है। इसके अलावा अगर एनवीआई है तो उसकी वजह से भी एंटीरियर चैम्बर में सेल्स एंड फ्लेयर मिल सकता है, सेल्स मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे ब्लड रेटिनल जो ब्लड एक्वस बैरियर है ये ब्रेक हो जाता है, और मेनली जो सेल्स आते हैं एक्वस में वो ब्लड एक्वस बैरियर की वजह से ना नहीं आ पाते, ये बैरियर ब्रेक डाउन हो जाता है एनवीआई की वजह से, जिसकी वजह से आपको एंटीरियर चैम्बर में वहां पे सेल्स मिल सकते हैं। तो ये फाइंडिंग आपको मिल सकती है किसमें, एंटीरियर सेगमेंट में। अब आ जाओ नेक्स्ट आता है आयरिस में, आयरिस में तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बताओ आप लोग, इंटरेक्टिव सेशन है, आप लोग बताओ आयरिस में क्या चेक करोगे? यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल प्यूपिल है पेशेंट की, नॉर्मल प्यूपिलरी मार्जिन है यहाँ पे पेशेंट का, मैं बता जो फाइंडिंग मैं बताते जा रहा हूँ इस पेशेंट के लिए वो ध्यान भी रखते जाना है, लास्ट में आपने बताना है इसका डायग्नोसिस, प्रोविजनल डायग्नोसिस आपने बताना है, मैंने नहीं बताना, इसीलिए मैं जो नॉर्मल फाइंडिंग लिख रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। नॉर्मल प्यूपिलरी मार्जिन है यहाँ पे, नॉर्मल प्यूपिलरी मार्जिन है, और यहाँ पे कलर और पैटर्न भी नॉर्मल, कलर और पैटर्न भी नॉर्मल, पैटर्न भी नॉर्मल, ठीक है। अब आप बताओ और क्या मिल सकता है यहाँ पे आयरिस में, इज देयर एनी फाइंडिंग? एनवीआई एनवीआई आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, एनवीआई हो सकता है। उसके बाद एनवीआई चेक कर लिया आप लोगों ने, यहाँ पे एनवीआई मिल सकता है इन केस ऑफ इस्कीमिक सीआरवीओ, इस्कीमिक सीआरवीओ के केस में। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे वाइवा क्वेश्चन बता चुका हूँ ऑलरेडी, कब हम एनवीआई सिग्निफिकेंट बोलेंगे, जब मोर देन 2 क्लॉक आ रहा होगा, ये याद कर लो एकदम अच्छे से, ये वाइवा क्वेश्चन बनता है।
अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों ने बताना है कि यहाँ पे वाइवा का एक क्वेश्चन जो पूछेगा ही, एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनबीआई एंड नॉर्मल आयरिश वेसल, डिफरेंस बिटवीन एनबीआई वर्सेस नॉर्मल आयरिश वेसल, नॉर्मल आयरिश वेसल, ये वाइवा क्वेश्चन बनता है। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को मैं थ्योरी में बता चुका हूँ, आप लोगों ने लिख के अब ग्रुप में सेंड करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनबीआई एंड नॉर्मल आयरिश वेसल, ठीक है। ये वाइवा का क्वेश्चन मैं बताते जा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हम पीपिल एग्जामिन करेंगे, पीपिल चेक करेंगे। वैसे पीपिल में क्या चेक करेंगे, पीपिल में क्या चेक करेंगे, आरएपीडी, ठीक है। तो आरएपीडी हम चेक करेंगे, और आरएपीडी हो सकता है इस्चीमिक में ज्यादा मिलता है, इसमें आरएपीडी नहीं मिल रहा, इस पेशेंट में आरएपीडी नहीं मिल रहा, ठीक है। इसके अलावा आयरिस हो गया, ये हो गया। इसके अलावा हम लेंस चेक करेंगे पेशेंट में, जो लेंस है ध्यान से सुनो, मैंने बताया ओल्ड एज का ये पेशेंट है, मोर देन 60 ईयर्स का पेशेंट है ये, इसमें लेंस में NS2 ग्रेडिंग मिल रही है कैटरेक्ट की, ठीक है। लेंस जो है NS2 ग्रेडिंग का कैटरेक्ट मिल रहा है, NS2 ग्रेडिंग का कैटरेक्ट मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फंडस एग्जामिनेशन। फंडस एग्जामिनेशन से पहले हम एक एक और इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्या, एग्जामिनेशन करेंगे फंडस से पहले, एक एग्जामिनेशन और करेंगे क्या, आईओपी आईओपी, वेरी गुड, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, यू हैव टू डू आईओपी बिफोर डूइंग द फंडस एग्जामिनेशन, बिफोर डायलेटिंग द पेशेंट, ठीक है। इसमें पेशेंट को 16 mmHg मिल रहा है, ये फाइंडिंग याद करते जाना है। इसके बाद अगर मोर देन 22 mmHg है तो यहाँ पे चांसेस किसके हैं, नियोवास्कुलर ग्लोकोमा के चांसेस, ठीक है। दिस इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ नियोवास्कुलर ग्लोकोमा, ठीक है। अब क्या करना है, पेशेंट को डायलेट करा दिया आपने, अब पूछती है सेगमेंट एग्जामिनेशन करना है। यहाँ पे आपका पूरा जो परफॉर्मेंस है इसी पे ही डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, जो लॉन्ग केस है उसमें कितने आपको मार्क्स मिलेंगे, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है ये पोस्टियर सेगमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। अब मैंने जो आप लोगों को बताया था ओपीडी में जो आप करते हैं कि डायलेटेड टॉर्चस वेसल है, डिस्क हाइपरीमिक है, और ये फाइंडिंग आपको मिल रही है, कॉटन वूल स्पॉट मिल रहे हैं, वो आप डायरेक्टली लिख देते हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिकल एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपने कैसे डिस्क्राइब करना है ये कोई मुझे बताएगा। अब पहले मैं सबसे पहले आप लोगों की गलती बताता हूँ, उसमें कुछ लोगों ने, मैंने बोला था टेबल वाइवा में अगर आपको ये फंडस फोटो मिलती है तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो कई लोगों ने लिखा 90D ऑन 90D एग्जामिनेशन। आपको पता है कि वो फंडस 90D से हुआ है या IDO से हुआ है या 70D से हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को नहीं पता है। अगर टेबल वाइवा में आपको वो फंडस फोटोग्राफ दी है तो वहां पे आपने नहीं लिखना है 90D एग्जामिनेशन है कि IDO है कि क्या है, ठीक है। वहां पे आपने डायरेक्ट आई बतानी है पहले, उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन बताना है उसका, मीडिया डिस्क और वेसल मैकुला, वहां पे बैकग्राउंड फंडस। लेकिन अगर आप यहाँ पे फंडस एग्जामिनेशन करते हैं तब आपने बताना है कि ऑन 90D और 78D और ऑन IDO एग्जामिनेशन, फंडस एग्जामिनेशन फिर आपने बताना है, इस केस में आपने बताना है, लेकिन टेबल वाइवा में नहीं बताना है वो डिस्क्रिप्शन, ये जो लेंस का डिस्क्रिप्शन है वो टेबल वाइवा में नहीं देना, ठीक है। यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे 90D से एग्जामिनेशन कर रहे हैं आपने, लेकिन इसको डिस्क्राइब करना है, इसको अगर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं तो आप बाकी जो फाइंडिंग आएंगी उसको भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे बताओ कोई मीडिया क्या है, मीडिया इज क्लियर और हेजी, क्लियर सर। क्लियर, वेरी गुड, क्लियर। इसके बाद हम डिस्क को डिस्क्राइब करते हैं, ये मैंने नॉर्मल आप लोगों को बता दिया है कैसे डिस्क्राइब करते हैं डिस्क में, यहाँ पे बताओ कैसे डिस्क्रिप्शन करोगे डिस्क का, कोई बता सकता है मुझे, इज देयर एनी वॉलंटियर टू डिस्क्राइब द डिस्क ऑफ दिस पेशेंट, कोई बोल सकता, बता सकता है। देखो यहाँ पे डिस्क आप लोगों को एनलार्ज दिख रही है, नहीं दिख रही है, हेयर द डिस्क इज एनलार्ज, एनलार्ज डिस्क, एनलार्ज डिस्क, ठीक है। इसके बाद डिस्क की हम साइज बताते हैं, उसके बाद क्या बताते हैं, शेप बताते हैं, क्या मुझे बताओ यहाँ शेप आप बता सकते हैं, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, या कितनी डिस्क की शेप है, कैसी नो शेप है, सर, बता, नहीं बता सकते, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, शेप इज नॉट एक्सेसिबल, शेप इज नॉट एक्सेसिबल, आप एसेस नहीं कर सकते यहाँ पे शेप को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन जो है वो डिफ्यूज हो गए हैं, तो आपको शेप एग्जैक्टली नहीं पता चल रही है। अब डिस्क बताओ पेल है कि हाइपरीमिक है, कलर बताना है, इसके बाद कलर बताना, हाइपरिमिट हाइपरीमिक है, हाइपरिमिट ठीक है, हाइपरीमिक डिस्क है, हाइपरीमिक
हाइपरिमिक डिस्क है। ये एक एक पॉइंट मैंने बताया आप लोगों को कि आपके मार्क्स कितने मिलेंगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में, यही डिसाइड करेगा कितने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इसको सही से डिस्क्राइब कर दिया ना, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपने अगर हिस्ट्री सही ली है तो हाइपरिमिक डिस्क हो गई। इसके बाद मार्जिन क्या आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑब्सक्योर्ड विद ऑब्सक्योर्ड मार्जिन, ऑब्सक्योर्ड मार्जिन, ठीक है। यहाँ पे कप भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑब्लिटरेटेड कप लिखेंगे, विद ऑब्लिटरेटेड कप, ऑब्लिटरेटेड कप, ठीक है। अब कप के बाद हम क्या करते हैं, कप को बताते हैं, उसके बाद न्यूरो रेटिनल रिम को बताते हैं। तो न्यूरो रेटिनल रिम यहाँ पे एक्सपेंड, क्योंकि यहाँ पे इडिमा हो रखा है तो इसीलिए मार्जिन डिफ्यूज हो गए हैं, तो यहाँ पे न्यूरो रेटिनल रिम भी जो क्या हो गई, इडिमेटस हो गई है। तो विद इडिमेटस, इडिमेटस न्यूरो रेटिनल रिम, न्यूरो रेटिनल रिम, ये तो डिस्क की फाइंडिंग हो गई। अब डिस्क के चार तरफ आपको हेमरेजेस भी दिख रहे हैं, अब इन हेमरेजेस को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, करोगे, ये मुझे बताओ। जो डिस्क के पास हेमरेज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जो डिस्क, स्प्लिंटर स्प्लिंटर हेमरेज, वेरी गुड, हेमरेज, स्प्लिंटर हेमरेज। तो यहाँ पे आपका टास्क ये है, हाउ इसको डिस्क्राइब करना है आपने, टेबल वाइवा है उसमें भी आपने डिस्क्राइब करना, हाउ टू डिस्क्राइब द, हाउ टू डिस्क्राइब द स्प्लिंटर हेमरेज, स्प्लिंटर हेमरेज, ठीक है। तो इसको कैसे डिस्क्राइब करना है आप लोगों ने, यहाँ पे देखो कई सारे हैं तो लिखना है यहाँ पे मल्टीपल, मल्टीपल स्पिंडल शेप, मल्टीपल स्पिंडल, स्पिंडल शेप क्या है, ऐसे स्पिंडल, स्पिंडल शेप क्या है, मल्टीपल स्पिंडल शेप, स्पिंडल स्पिंडल या कई लोग स्ट्रीक शेप भी बोलते हैं, तो सेम वही है, एक ही बात है। प्लीज म्यूट योर सेल्फ, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, बट आफ्टर दैट यू कैन म्यूट योर सेल्फ, ठीक है। मल्टीपल स्पिंडल शेप्ड सुपरफिशियल, अधिकतर जो मैंने बताया था डॉट ब्लॉट हेमरेज डीप रहते हैं, और ये जो स्पिंडल शेप हेमरेज रहते हैं, फ्लेम शेप्ड हेमरेज रहते हैं, वो सुपरफिशियल रहते हैं। तो ये क्या है, शेप सुपरफिशियल, सुपरफिशियल रेड लीजन, रेड लीजन कहाँ पे लोकेटेड है, दे आर मोस्टली लोकेटेड विद इन द वन डिस्क डायमीटर। जब तक ये वन डिस्क डायमीटर तक हैं इसके, तभी तक आप स्प्लिंटर हेमरेज बोलोगे, अदरवाइज और कहीं चले जाएंगे तो आप उसे फ्लेम शेप्ड हेमरेज बोलोगे। इसके विद इन वन डिस्क डायमीटर अगर ये प्रेजेंट है, तभी आप इसे स्प्लिंटर हेमरेज बोलोगे, विद इन वन डिस्क डायमीटर। और ओरिएंटेड कैसे होने चाहिए, इसके जस्ट परपेंडिकुलर ओरिएंटेड होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ओरिएंटेड है या फिर ऐसे ओरिएंटेड है, वो स्प्लिंटर में नहीं आएगा, ठीक है। एंड ओरिएंटेड, ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू द डिस्क मार्जिन, परपेंडिकुलर टू द डिस्क मार्जिन, डिस्क मार्जिन के परपेंडिकुलर ओरिएंटेड अगर है, तो देन दिस फाइंडिंग इज सजेस्टिव ऑफ द स्प्लिंटर हेमरेज, स्प्लिंटर हेमरेज, इज इट क्लियर। ये आपने बताना है डिस्क में, ये डिस्क की फाइंडिंग अराउंड ही हो गई। अब हमने डिस्क के बाद किसको डिस्क्राइब करना है, वेसल्स को डिस्क्राइब करना है। तो वेसल्स में क्या लिखेंगे, यहाँ पे वही सेम आपने बताना है, दे आर अराइजेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है। अराइजेस फ्रॉम, वेसल्स आर अराइजेस फ्रॉम सेंटर ऑफ द डिस्क, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, सेंटर ऑफ डिस्क। इसके बाद ब्रांचिंग, डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, यहाँ भी डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, ठीक है। इसका कोई, कई लोग पूछ रहे हैं सिग्निफिकेंस क्या है, अगर यहाँ न्यू वास्कुलराइजेशन होगा ना डिस्क पे, तो आपको डाइकोटोमस ब्रांचिंग नहीं मिलेगा, वहां पे रेटिकुलर पैटर्न मिलेगा, इसका सिग्निफिकेंस ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रांचिंग बतानी है आपने, देर इज दे अराइजेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क विद डाइकोटोमस ब्रांचिंग, विद डाइकोटोमस ब्रांचिंग, ब्रांचिंग, और उसके साथ साथ वेसल्स कैसी दिख रही है, डायलेटेड एंड टॉर्चुअस, डायलेटेड एंड टॉर्चुअस, टॉर्चुअस वेन्स, ठीक है। उसके बाद फोबिया में रिफ्लेक्स आपको नहीं दिख रहा है, ये हो गया, वेन्स हो गया, सब हो गया। अब मैकुला की बात करेंगे, तो इसमें क्या बताएंगे, फोबियल रिफ्लेक्स एब्सेंट, फोवियल रिफ्लेक्स एब्सेंट। आप देखो इतना बताने से, पर इतना बताने से बात नहीं बनेगी, ये जो हेमरेज दिख रहे हैं ना आपको फोविया पे और मैकुला पे, ये भी बताने पड़ेंगे आप लोगों ने। तो ये कौन से हेमरेज हैं, ये मेनली इनको हेमरेजेज रेटिना में फ्लेम शेप्ड हेमरेजेज हैं, तो ये हेमरेज आपको बताने हैं। लेकिन मेनली मैकुला में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मल्टीपल हेमरेजेज, मल्टीपल आपको यहाँ पे हेमरेज दिख रहे हैं, और यहाँ पे या तो इलिवेशन ऑफ रेटिना बोल सकते हैं आप, या फिर थिकनिंग बोलते हैं कई लोग, एंड विद मल्टीपल हेमरेज देर इज रेटिनल थिकनिंग, रेटिनल थिकनिंग, ठीक है।
और ये रेटिनल थिकनिंग मैकुलर इडिमा में कब आप बोले बोल सकते हैं कि ये मैकुलर इडिमा कॉज करा रही है, जब ये रेटिनल थिकनिंग या एलिवेशन ऑफ रेटिना आपको विद इन 1 डिस्क डायमीटर मिलता है फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी मैकुला, ठीक है, विच इज प्रेजेंट विद इन दी 1 डिस्क डायमीटर फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी मैकुला, फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी मैकुला मैकुला, तब ये फाइंडिंग क्या सजेस्ट करेगी, देन दिस इज सजेस्टिव ऑफ मैकुलर इडिमा, देन दिस इज सजेस्टिव ऑफ मैकुलर इडिमा, ये आप लोगों ने याद रखना। देखो ये सजेस्ट कर, यहाँ पे मैं बताया आप लोगों को स्प्लिंटर हेमरेज कैसे आपने डिस्क्राइब करना है, मैकुलर इडिमा कैसे डिस्क्राइब करना है। अब लास्ट आते हैं मैकुला के बाद जनरल बैकग्राउंड फंडस में, बैकग्राउंड फंडस मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं नो है तो सर, मैं नो। इसको क्लियर कर देता हूँ। ये आप लोगों ने जैसे मैं पॉइंट बता रहा हूँ इससे रिलेटेड, आपने एज इट इज ऐसे ही डिस्क्राइब करने हैं, चाहे टेबल वाइवा हो चाहे आपका केस वाइवा हो, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट में बैकग्राउंड फंडस, बैकग्राउंड बैकग्राउंड फंडस, ठीक है। अब बैकग्राउंड फंडस में आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो बैकग्राउंड फंडस में ये सारे डॉट प्लॉट और मल्टीपल स्प्लेंडर शेप हेमरेज दिख रहे हैं यहाँ पे, देर इज मल्टीपल स्पिंडल शेप होंगे तो अधिकतर सुपरफिशियल ही रहते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि सुपरफिशियल क्यों होते हैं स्पिंडल शेप और डॉट ब्लॉट डीप क्यों होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लीजन, ठीक है, और स्पिंडल शेप मल्टीपल स्पिंडल शेप लीजन क्या सजेस्ट करते हैं, फ्लेम शेप डैमरेज, सजेस्टिव ऑफ फ्लेम शेप डैमरेज। डायरेक्ट आपने नहीं बोलना है कि ये फ्लेम शेप डैमरेज है, वहां पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है उसे और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है इन ऑल फोर क्वाड्रेंट ऑफ दी फंडस, फंडस में ऑल फोर क्वाड्रेंट में आपको दिख रहे हैं, तो आपने बताना है हेमरेज इन ऑल फोर क्वाड्रेंट, ऑल फोर क्वाड्रेंट ऑफ फंडस, क्वाड्रेंट ऑफ फंडस, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को आगे फंडस की और भी फाइंडिंग बताऊंगा, यहाँ तो आपको सारे क्वाड्रेंट में दिख रहे हैं लेकिन कहीं कहीं अगर मान लिया लीजन यही होता है तो ये सब लीजन की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए आप लोग पता क्या करते हैं, जो ऑलरेडी जो लैंडमार्क है जैसे डिस्क है, मैकुला है, आर्केड्स हैं, ये नेचुरल लैंडमार्क है फंडस के, ये लैंडमार्क यूज करके हम क्या करते हैं एग्जैक्ट जो पैथोलॉजी है उसकी लोकेशन बताते हैं हम एग्जैक्ट। तो यहाँ पे मान लिया अगर सुपीरियर आर्केड आर्केड के नीचे तो इंफीरियर टू द सुपीरियर आर्केड ये बोल देंगे, या फिर सुपीरियर टू द मैकुला बोल देंगे, या फिर मैकुला के इधर कोई लीजन है तो टेम्पोरल टू द मैकुला बोल दोगे, या फिर डिस्क के अगर टेम्पोरल साइड में तो टेम्पोरल टू द डिस्क बोल दोगे। तो ये फाइंडिंग ऐसे हमने जो नेचुरल लैंडमार्क होते हैं फंडस में वो नेचुरल लैंडमार्क यूज करके हमें फाइंडिंग बतानी होती है, ये मैं बताऊंगा आगे जैसे जैसे फंडस हम डिस्क्राइब करेंगे और वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में कैसे आपने। अब ये हो गया हमारा स्प्लिंडर शेप हेमरेज के बारे में डिटेल में हो गया, अभी यहाँ पे दो कॉटन वूल स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना, मैंने बताया आप लोगों को इनकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको बतानी पड़े, ऐसे नहीं बताना कि कॉटन वूल स्पॉट प्रेजेंट। अब कैसे आप इसको बताएंगे, इसकी इसके लैंडमार्क यूज करके, जो नेचुरल लैंडमार्क है उसको यूज करके आपने कॉटन वूल स्पॉट को डिस्क्राइब करना है, तो यहाँ पे आपको टू फ्लफी फ्लफी सुपरफिशियल सुपरफिशियल येल्लोइस सुपरफिशियल येल्लोइस लीजन दिख रहे हैं, लीजन विद इनडिस्टिंक्ट मार्जिन, ये क्यों हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं किससे, हार्ड एग्जुडेट से, उसमें डिस्टिंक्ट मार्जिन होता है, इसमें डिस्टिंक्ट मार्जिन नहीं होता, विद इनडिस्टिंक्ट मार्जिन्स, विद इनडिस्टिंक्ट मार्जिन्स, ठीक है। और ये क्या सजेस्ट कर रहा है, सजेस्टिव ऑफ कॉटन वूल स्पॉट, और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, क्या बतानी है, दे आर प्रेजेंट वन एट द टेम्पोरल टू द डिस्क, डिस्क के टेम्पोरली प्रेजेंट है ये, वन एट दी टेम्पोरल टू द डिस्क, टेम्पोरल टू द डिस्क, टू द डिस्क एंड अदर, दूसरा कहाँ प्रेजेंट है एंड अदर, इसको बोल सकते हो सुपीरियर टू द इंफीरियर आर्केड बोल सकते हो या इंफीरियर टू द मैकुला बोल सकते हो, आपने कोई भी एक लैंडमार्क यूज करके आपने उसकी लोकेशन बता दी, ठीक है। एंड अदर इट प्रेजेंट इंफीरियर टू द मैकुला, इंफीरियर टू द मैकुला, मैकुला के इंफीरियरली प्रेजेंट है,
ये आपने बता दी, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ बता दी आपने, इसका नेचुरल लैंडमार्क यूज करके फंडस का, और यहाँ पे आपने डिस्क्राइब कर दिया कि दीज फाइंडिंग आर सजेस्टिव ऑफ कॉटन मिल्स। तो ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है फंडस, ये आप बोल सकते हैं दिस इज ऑल द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सीआरबीओ फंडस फाइंडिंग। ठीक है, ये आपने देख लिया, ये हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में, यहाँ तक आपने नहीं छोड़ना, ये ओवरऑल आपने सब डिस्क्राइब कर दिया फंडस का, लास्ट में आपने लिखना है ओवरऑल फंडस इज लुकिंग लाइक टोमेटो कैचअप अपीयरेंस, ये लास्ट में आपने लिखना है, शुरुआत में ही नहीं बता देना, टोमेटो कैचअप अपीयरेंस, कैचअप अपीयरेंस, ठीक है, विच इज सजेस्टिव ऑफ सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें फोवियल रिफ्लेक्स भी डल लिख रहा था विद मैकुलर एडिमा, विद मैकुलर एडिमा। ठीक है, तो ये फाइंडिंग आपको फंडस से पता चल गया। दिस इज द पोस्टीरियर सेगमेंट एग्जामिनेशन इन डिटेल, डिटेल में आपने ऐसे एग्जामिनेशन करना है पोस्टीरियर सेगमेंट का। ठीक है, इज इट क्लियर अप टू दिस? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को कोई यस प्रॉब्लम नहीं है? अब देखो, यस आपका देखो आपका क्या है यहाँ पे, आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है? आप लोगों ने घर से इसकी जो कलर्ड पेंसिल से, जो पेंसिल से कलर्ड फंडस हम बनाते हैं, वो कलर्ड फंडस बनाना है सीआरबीओ का, और वो ग्रुप में पोस्ट करना है। ठीक है, तब उसमें हम देखेंगे कि क्या आपकी मिस्टेक्स हैं, क्या आप सही बना रहे हैं और क्या आप सही नहीं बना रहे। तो जो भी हम कलर डायग्राम बनाते हैं फंडस का, वो आपने इसका बनाना है सीआरबीओ का, और उसको पोस्ट करना है इसमें ग्रुप। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये सब हो गया, ये सब हमने एक आई में देख लिया। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम साथ के साथ दूसरी आई में वो कर दें, वो ज्यादा अच्छा है। जैसे हमने ये राइट आई का देखा, सेम लेफ्ट आई के भी हम फाइंडिंग बताते जाए। अदरवाइज फेलो आई में देखो एक चीज, यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेलो आई को एग्जामिनेशन एग्रेसिवली करना बहुत जरूरी है। क्यों? हमने केवल ये नहीं बोलना है कि फेलो आई लुकिंग नॉर्मल, फेलो आई फंडस इज विद इन नॉर्मल लिमिट, फंडस इज विद इन नॉर्मल लिमिट, ऐसा बहुत रेयरली होगा कि एक आई में सिम्टम आ गए हैं और दूसरी आई में कोई रिस्क फैक्टर ही नहीं मिल रहा है आपको, कुछ चेंजेस ही नहीं मिल रहे हैं थोड़े बहुत। तो वहां पे आपने थोड़ा एग्रेसिवली देखना है कि कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे केयरफुली एग्जामिन करना है। यहाँ पे क्या चेक करना है आपने? ठीक है, यहाँ दूसरी आई में वो नॉर्मल है, क्या हाइपरटेंसिव चेंजेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वो भी चेक करना है आपने फेलो आई में। ठीक है, साइंस ऑफ हाइपरटेंसिव चेंजेस। तो ऐसा नहीं है, एक चीज अगर आपको पता चल गई नहीं, सीआरबीओ का केस मिला है आपको एग्जाम में, तो आप बाकी एग्जामिनेशन करना ही भूल जाते हैं, बस उसी को ही फोकस करते रहते हैं। तो फेलो आई में आपने देखना हाइपरटेंसिव चेंजेस तो नहीं है, साइंस तो नहीं है हाइपरटेंसिव, डायबिटिक रेटिनोपैथी के कोई साइंस तो नहीं है फेलो आई में, कोई वेस्कुलाइटिस के साइंस तो नहीं है, साइंस ऑफ वेस्कुलाइटिस। ठीक है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसीज में एक रिस्क फैक्टर है, मैंने बताया था आप लोगों को, ये भी एक रिस्क फैक्टर है इसका, वेस्कुलर ओक्लूजन का। और उसके बाद दूसरी आई में भी हमने क्या करना है, गोनियोस्कोपी करना है। ऐसा नहीं है कि इसी आई में हमने करके छोड़ दिया, गोनियोस्कोपी यू शुड डू इन अदर आई ऑल्सो। यहाँ पे पेशेंट को ग्लोकोमा नहीं है, फिर भी आपने इसका गोनियोस्कोपी करना है। क्यों? अगर इस पेशेंट में, अगर मान लिया दूसरे फेलो आई में अगर ऑक्लूडेबल एंगल भी होता है, तो आगे आने वाले टाइम में चांसेस हैं पेशेंट को, अगर ऑक्लूडेबल अगर एंगल होता है दूसरी आई में, ऑक्लूडेबल एंगल अगर होता है, तो भी इस पेशेंट को चांसेस हैं कि फेलो आई में सीआरबीओ होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे वाइवा का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज ऑक्लूडेबल एंगल? हम कब बोलेंगे ऑक्लूडेबल एंगल है? दूसरी आई में आपने एग्जामिनेशन नहीं किया, उसमें ओक्लूडेबल एंगल था, कुछ ही दिनों बाद प्रेजेंट कर जाएगा वो एज ए सीआरबीओ, अगर एक्यूट एंगल क्लोजर हो गया वहां पे। तो ओक्लूडेबल एंगल आप कब बोलोगे? यहाँ पे वाइवा क्वेश्चन बनेगा, व्हेन यू कॉल इट द एंगल एज ए ओक्लूडेबल एंगल, जब आपको पोस्टियर पिगमेंटेड या पोस्टियर ट्रेबिकुलर मेशवर्क या पिगमेंटेड ट्रेबिकुलर मेशवर्क नहीं दिखता है, नॉट विजिबल, कितने क्वाड्रेंट में? एटलीस्ट थ्री क्वाड्रेंट। ठीक है, बिना इंडेंटेशन, विदाउट इंडेंटेशन, विदाउट नॉट विजिबल, विदाउट इंडेंटेशन, इंडेंटेशन इंडेंट करके दिख सकता है, बट विदाउट इंडेंटेशन और मैनिपुलेशन इन एटलीस्ट थ्री क्वाड्रेंट, कम से कम तीन क्वाड्रेंट में अगर आपको दिख रहा है गोनियोस्कोपी में, वहां पे
पोस्टियर पिगमेंटेड ट्रेबिकुलर मेशवर्क नहीं अगर दिखता है इन एटलीस्ट थ्री क्वाड्रेंट, तब आप उस एंगल को बोलोगे एक्लूडेबल एंगल। तो वहां पे रिस्क में आती है दूसरी आई भी, वहां पे चांसेस है कि पेशेंट को फ्यूचर में सीआरवी होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे पेशेंट में हम पहले से ही क्या कर देते हैं, मैनेजमेंट कर देते हैं ताकि वहां पे चांसेस एंटी ग्लोकोमा मेडिकेशन और जो भी इसका ग्लोकोमा का मैनेजमेंट हो सकता है वहां पे आईओपी बस उस आई में नहीं पड़ने देंगे, तो वहां पे चांसेस भी कम हो जाते हैं सेंट्रल लेटरल। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखा, दिस इज ऑल अबाउट द केस प्रेजेंटेशन फॉर द सेंट्रल लेटरल वेन ओक्लूजन पेशेंट। ठीक है, अब लास्ट में आप लोग बताएंगे व्हाट। देखो यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को हाइपरटेंशन फेलो आई में देखा, आप लोगों ने ध्यान से अगर देखा तो यहाँ पे पेशेंट को ग्रेड टू हाइपरटेंसिव दिख रहा है, ग्रेड टू हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी आप लोगों को दिख रहा है इन द फेलो आई, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है, ना ये मिल रहा है ना कि बाकी कोई साइन नहीं मिल रहा है, लेकिन ग्रेड टू हाइपरटेंशन दूसरी आई में। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को फाइंडिंग बताई है। अब कोई मुझे प्रोविजनल डायग्नोसिस बता सकता है इसका? कैन एनीबॉडी टेल द प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑफ दिस पेशेंट? नहीं बता सकता, मैंने फाइंडिंग इतनी बताई किसकी पॉजिटिव किसकी नेगेटिव, आप लोग कंफ्यूज हो गए। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, राइट आई मैंने ली थी शुरुआत में, ठीक है, राइट आई में हमें क्या मिला, ये जो फंडस फाइंडिंग है पूरी राइट आई की है। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को कि प्यूपिल में आरएपीडी नहीं है, आरएपीडी नहीं मिल रहा था, आरएपीडी नहीं मिल रहा था, वहां पे विजन कराया था तो वो मोर देन 6/60 था। ठीक है, विजन भी मोर देन 6/60 था और लेंस की ग्रेडिंग कितनी थी, NS2 थी, ये पॉजिटिव फाइंडिंग थी। तो मुझे कोई अब बता सकता है डायग्नोसिस? और यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को फंडस में और मेटामोर्फोप्सिया की पॉजिटिव हिस्ट्री थी, मेटामोर्फोप्सिया की, अब कोई बता सकता है इसका प्रोविजनल डायग्नोसिस? सर नहीं नॉन बता, इश्यूमेट सीआरवीओ विद इमेच्योर कैटरेक्ट विद मैकुलर एडिमा। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे आपने बनाना है, तो आपने डिटेल में लिखना कैसे है, माई प्रोविजनल डायग्नोसिस इज प्रोविजनल प्रोविजनल डायग्नोसिस इन राइट आई, केवल आपने ऐसे नहीं बोल देना है कि यहाँ सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन विद, इन राइट आई दोनों आई का बताना, इन राइट आई सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन विद मैकुलर इडिमा, मैकुलर इडिमा इसके साथ, विद मैकुलर इडिमा, सॉरी मैकुलर इडिमा विद इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट, इमेच्योर सेनाइल सेनाइल कैटरेक्ट, ये आपका परफेक्ट डायग्नोसिस होगा, परफेक्ट आपका प्रोविजनल डायग्नोसिस होगा। केवल आपने राइट आई बताया, लेफ्ट आई में बता सकता है मुझे कोई, लेफ्ट आई में क्या था, लेफ्ट आई में मान लिया पेशेंट को वही सेम ग्रेडिंग थी NS2, लेंस की ग्रेडिंग थी और हाइपरटेंसिव मैंने बताया था, अगर रेट चेंजेस मिल रहे हैं दूसरी आई में ग्रेड टू चेंजेस तो आपने वो डिस्क्राइब कर देना है लेफ्ट आई में। ठीक है, और अगर नहीं है तो नॉर्मल बोल देना है, लेफ्ट आई इज विद इन नॉर्मल। ठीक है, लेफ्ट आई में क्या मिल रहा है आपको, सेनाइल इमेच्योर कैटरेक्ट मिल रहा है। ठीक है, अगर कुछ मिलता है, अगर ये मिल रहा है तो ये लिखेंगे, और उसके साथ साथ हाइपरटेंसिव चेंजेस भी मिल रहे हैं तो वहां आपने लिखना है विद एंड ग्रेड टू हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ये हमारा हो गया प्रोविजनल डायग्नोसिस फॉर राइट आई एंड लेफ्ट आई, दिस इज द परफेक्ट डायग्नोसिस यू हैव मेड इन फ्रंट ऑफ द एग्जाम, ऐसे बनाना है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? ऐसे आपने डायग्नोसिस बनाना है, प्रोविजनल डायग्नोसिस फॉर द केस ऑफ सीआर, इज देयर एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। अब देखो आगे, अब एग्जामिनर का क्वेश्चन क्या आएगा, वाइवा का क्वेश्चन आएगा, ये तो चलो ठीक है तुम्हारा डायग्नोसिस, इसके और क्या डीडीज बन सकते हैं, अभी तक तो तुमने जो भी फाइंडिंग देखी है उससे रिलेटेड और क्या डीडीज बन सकते हैं ऐसे फंडस में, तो यहाँ पे आपने 4-5 डीडी एटलीस्ट इसके याद रखने हैं सीआरवी। ठीक है, तो डीडीज में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ओकुलोस्टीमिक सिंड्रोम बता रखा है थ्योरी क्लास में, तो वहां से आपने डिफरेंशिएशन मैंने ऑलरेडी बताया कि ओकुलोस्टीमिक सिंड्रोम में और सीआरवीओ में क्या डिफरेंस है, इसकी फाइंडिंग्स आप लोगों ने लिखनी है, ग्रुप में पेस्ट करनी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओकुलोस्टीमिक सिंड्रोम में आपको क्या फंडस मैक्सिमम मिड पेरिफेरी में फाइंडिंग मिलती है, इतनी फाइंडिंग नहीं मिलती, इतने ज्यादा हेमरेजेस में नहीं मिलते इसमें, इसमें डायलेटेड रहती है वेसल लेकिन टॉर्चुअस नहीं रहेगी इस ओकुलोस्टीमिक सिंड्रोम में, तो ये आप लोगों ने वहां से रिवाइज करना है थ्योरी लेक्चर से कि
ऑकुलोस्टीमिक सिंड्रोम ये क्यों नहीं है, ठीक है? ये आपने वहां से रिवाइज करके बताना है, ग्रुप में पोस्ट करना है, डिफरेंस बिटवीन ऑकुलोस्टीमिक सिंड्रोम एंड सीआरबी। इसके अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी भी इसके उसमें आता है, डीडी में आता है, तो ये डायबिटिक रेटिनोपैथी क्यों नहीं है ये भी आपने बताना पड़ेगा एग्जामिनर को, कि क्योंकि एक तो पेशेंट को हिस्ट्री नहीं है। अब कई स्टूडेंट्स का थीसिस ही होता है कि नॉन डायबिटिक में भी डायबिटिक के चेंजेस आते हैं, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट, एक तो डायबिटिक की हिस्ट्री नहीं है, उसके बाद उसमें चेंजेस जो आते हैं माइक्रो एन्यूरिज्म वगैरह आते हैं, माइक्रो एन्यूरिज्म आते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा माइक्रो एन्यूरिज्म या हार्ट एग्जुडेट्स के फीचर्स नहीं मिल रहे, हार्ट एग्जुडेट्स के फीचर्स नहीं मिल, ठीक है? उसमें मोस्ट कॉमनली मिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये रूल आउट कर सकते हैं। इसके बाद पेपिलीडिमा भी एक इसका डीडी में आता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क मार्जिन ब्लर्ड है, तो पेपिलीडिमा यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, कोई बता सकता है मेरे को? सर वो थाइमिन नहीं है वो पैपलेटल थाइमिन है, ठीक है? ये यूनिलेटरल है, इसीलिए ये बाइलेटरल होता है पेपिलीडिमा, इसीलिए यहाँ पे ये रूल आउट हो गया। उसके बाद रेटिनोपैथी ऑफ एनीमिया भी इसके एक डीडी में आता है। अब देखो एनीमिया में भी सेम ऐसी, आप लोग देखना, बुक खोल के देखना, एनीमिया में भी आपको ऐसी सेम फंडस दिखेगा, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं ये सीआरबी है या एनीमिया है। तो यहाँ पे स्पेशल फाइंडिंग, जैसे एनीमिया में भी अगर ल्यूकीमिया की बात करूं, सिकल सेल एनीमिया वगैरह, हीमोफीलिया वगैरह, तो पेशेंट खुद ही आके बताएगा कि मैं सिकलिंग का पेशेंट हूँ या हीमोफीलिया का हूँ, मेरा फंडस चेक करो, तो वहां तो आप लोग खुद ही देख लेंगे कि हाँ वो है। लेकिन ल्यूकीमिया में पेशेंट को नहीं पता चलता है कभी कभी, ल्यूकीमिया में पेशेंट को नहीं पता चलता है, ल्यूकीमिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर है पेशेंट को, तो वहां भी फंडस में हेमरेजेस मिलेंगे, ऐसी सेम मिलेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होगा इसके और इसके, इसमें कैसे रूल आउट करेंगे इसको, कोई बता सकता है? यहाँ पे जो ल्यूकीमिया है उसमें फंडस फाइंडिंग में हेमरेजेस कैसे मिलते हैं, यहाँ पे पहले नॉट रॉ स्पॉट मिलते हैं, वेरी गुड। स्पॉट तो यहाँ पे हम इसको भी रूल आउट कर देंगे कि ये नहीं है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट रहता है इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसमें बोट बोट से प्री हाइलोइड, प्री हाइलोइड इस प्री रेटिनल हेमरेज मिलता है, या रिट्रो हाइलोइड हेमरेज मिलता है, वो भी इसमें नहीं है, वो अधिकतर इसमें मिलता है ल्यूकीमिया में या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, रॉ स्पॉट या फिर रिट्रो हाइलोइड या प्री रेटिनल, रिट्रो हाइलोइड या प्री रेटिनल हेमरेजेज अधिकतर मिलते हैं, वो इसमें नहीं है, तो ये भी रूल आउट हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो आप लोग अगर एग्जाम में एग्जामिनर को ये बताते हैं तो ये थोड़ा रिस्क है, लेकिन अगर आप इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ना कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है और ये क्यों नहीं है, तो आपको जितने मार्क्स देगा, मैक्सिमम मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स देगा अगर आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। और ऐसा नहीं है पहले आपने गुड़ गोबर कर दिया पहले वाला और ये नहीं, ये बता दिया, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपने अभी तक हिस्ट्री सब सही दी है, आपने सारे रूल आउट कर दिए हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और लास्ट में अगर आप इसको भी रूल आउट कर देते हैं तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है? अब ये क्या होता है, सीआरएओ विद सीआरबीओ, हो सकता है यहाँ पे सीआरएओ के साथ सीआरबीओ, तो उसमें फंडस फाइंडिंग क्या मिलेगी? यहाँ पे देखो कभी कभी होता है कॉमन, यहाँ पे वो रहता है कॉज रहता है जिसमें रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन भी होता है और वेन ओक्लूजन भी होता है, तो वहां पे क्या मिलेगा इसमें, देखो इसका सिग्निफिकेंस भी है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे आर्टरी ओक्लूजन भी है तो ब्लड आएगा ही नहीं, ज्यादा आएगा नहीं तो ज्यादा यहाँ पे वेन में हेमरेजेस भी नहीं मिलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेटिनल हेमरेजेस बहुत कम होते हैं, रेटिनल हेमरेजेस आर स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड एंड लेस लेस रहते हैं, ठीक है? और इसके साथ अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन भी होगा तो, ठीक है? अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मेनली इसका सिग्निफिकेंस आपसे वाइवा में पूछते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीआरए विद सीआरबीओ, हालांकि इतने हेमरेजेस नहीं मिलते हैं सीआरए सीआरबीओ में, सीआरएओ में इसके साथ अगर होता है सीआरए विद सीआरबीओ, जितने केवल सीआरबीओ में मिलते हैं। अब क्यों नहीं हेमरेजेस मिलते, मैंने बताया ब्लड आएगा नहीं रेटिनल आर्टरी से, तो वहां पे ज्यादा ब्लड अवेलेबल नहीं होगा हेमरेज के लिए, तो इतने हेमरेजेस भी नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है बताने का, इसका सिग्निफिकेंस ये है ब्लड आ नहीं रहा है, हेमरेज भी ज्यादा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ओक्लूजन है, वेन का भी ओक्लूजन है, आर्टरी का भी ओक्लूजन है, तो यहाँ पे इसीमिया बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे इसीमिया बहुत ज्यादा होगा, तो यहाँ पे चांसेस ऑफ नियोवस्कुलर आयराइडिस इज हाईएस्ट, हाईएस्ट इन दिस केस, कितने हाईएस्ट हो सकते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ, तब आप लोगों को समझ आएगा व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सीआरए विद सीआरबीओ। यहाँ पे 80% चांसेस रहते हैं नियोवस्कुलर आयराइडिस या नियोवस्कुलराइजेशन एट द एंगल होने के, जो कि नॉर्मल सीआरबीओ के पेशेंट में, नॉर्मल सीआरबीओ के पेशेंट में केवल 20% चांसेस रहते हैं एनवीआई के, वो
वो बढ़ के 80% चांसेस हो जाते हैं एनबीआई इन केस ऑफ द सीआरएओ विद सीआरबीओ। ये इसका सिग्निफिकेंस है अगर रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन होता है विद रेटिनल वेन। दिस इज ऑल अबाउट द केस प्रेजेंटेशन ऑफ सीआरबीओ, केस प्रेजेंटेशन ऑफ सीआरबीओ। अब इसके बाद जो वाइवा होता है दैट इज टोटली रिलेटेड टू द थ्योरी, थ्योरी से रिलेशन है उसका। जैसे इसके बाद इन्वेस्टिगेशन पूछते हैं, तो आप इन्वेस्टिगेशन सारे हम सीआरबीओ के डिस्कशन कर चुके हैं थ्योरी वाले पार्ट में, थ्योरी वाले लेक्चर में, वहां से आपने पढ़ने हैं। और लास्ट में मैनेजमेंट वाला पार्ट है, वो भी थ्योरी में एकदम डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, वो आपने वहां से पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये वाइवा का आगे कंटिन्यूएशन है इसी का ही, केस प्रेजेंटेशन का। ये आपसे वाइवा पूछा जाता है, ये आपने तैयार करना है फ्रॉम द थ्योरी लेक्चर, ठीक है। इसमें जितनी भी स्टडीज हमने थ्योरी में पढ़ी थी, जितने भी हमने उसमें ट्रायल्स पढ़े थे, वो सारे ट्रायल्स याद रखने हैं आपने, स्टेरॉइड के और एंटीवेजफ के। और इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हमने देखी थी वहां पे सीआरबी वाले लेक्चर में, यू हैव टू रीड ऑल दैट लेक्चर, और उसको हम वाइवा के फॉर्म में ग्रुप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इससे रिलेटेड दो इमेजिंग रहती हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि साथ के साथ हम क्या करते जाएंगे, इसके साथ ही हम डिस्कशन करते जाएंगे इसका, किसका, इमेजिंग का और इसका, इमेजिंग का डिस्कशन करते जाएंगे और फंड इसका। इमेजिंग में किसका, एफएफए यहाँ पे बचा है और ओसीटी बचा है। ये एफएफए और ओसीटी हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे डिस्क्राइब करना है, अगर सीआरबीओ का पेशेंट आता है या सीआरएओ का पेशेंट आता है, इसका डिस्कशन हम ग्रुप में करेंगे। और डिटेल में इमेजिंग का मैं लेक्चर लूंगा कि आपने कैसे रीड करना है टेबल वाइवा में, सारे ओसीटी सारे एफएफए में अलग से एक लेक्चर लूंगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन, दिस इज ऑल अबाउट द सर केस प्रेजेंटेशन ऑफ द सीआरबीओ पेशेंट।